दे परमेश्वर, ने हमें यह अवसर दिया कि हम एक मन होकर आराधना करें। हम सब सर झुके, हम इधर उधर ना देखें कि हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, धन्यवाद देंगे परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है, धन्यवाद देंगे परमेश्वर ने हमें योग्य समझा है कि हम उसके चरणों में और उसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको, धन्यवाद देते हैं प्रभु यह अवसर जो आपने हमारे जीवन में दिया है कि हम एक मर होकर प्रभु आपकी आराधना में भागीदार हो पाए। मैं जानता हूँ प्रभु कि मैं पाप से भरा हुआ इंसान हूँ प्रभु, लेकिन उसके बावजूद प्रभु आपने मुझसे प्रेम किया है, उसके बावजूद प्रभु आपने अपना बेटा बनाया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। मुझ में कोई खूबी नहीं है प्रभु, मैं इस योग्य इस लायक भी नहीं हूँ प्रभु, लेकिन प्रभु आपने मुझे योग्य बनाया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मुझसे इतना प्रेम किया है, आपसे प्रेम किया है। हमारे जीवन के हर मुसीबत तकलीफ में प्रभु आप हमेशा हमारे सहाय खड़ा रहता है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। कभी अकेला नहीं छोड़ता है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर प्रेम जो प्रेम आपने हमसे किया उसके हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सहायता कर मदद कर प्रभु, आपसे विनती मांगते हैं। सिर्फ आपके नाम की आराधना हम करने वाले बन सके प्रभु, आपसे विनती मांगते हैं। हमारा प्रार्थना सुनने वाला उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर।
Praise the Lord. Praise the Lord. How great is our God. Mahan hai Prabhu. Amen. 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 Hum sab khade ho jaye. अपने पास बाइबल है रिवेलेशन चैप्टर 4 वर्स 11 रिवेलेशन चैप्टर 4 वर्स 11 की है हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरे ही इच्छा से थी Amen. सिर्फ तू ही सारे आदर और महिमा के योग्य है आप विश्वास करते हैं आप विश्वास करते हैं लेकिन हम दुख से करते हैं प्लीज हम हंस सकते हैं हंसने मना नहीं किया किसी ने हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं एक मन के साथ एक विश्वास के साथ हम उसकी आराधना करते हैं गाना का बोली हमें बताता है तू ही योग्य है आदर के योग्य है सारी महिमा मिले तुझे और आराधना भी आमेन लेट्स वर्शिप विद दिस सॉन्ग ताली बजाएं तेरे करीब
आदर के योग्य है, सारी महिमा के योग्य है, सारी आराधना केवल तुझको मिले। आमेन। आई एम सूर्य को झुके आंखें बंद करें। हम सब सर झुके आंखें बंद। हम इधर उधर ना देखें। क्या विश्वास करते हैं सारे आदर के योग्य सिर्फ तू है प्रभु, सारी महिमा के योग्य प्रभु सिर्फ आप हैं। मेरे जीवन से आराधना केवल सिर्फ आपको मिले। तू मेरा भरोसा है प्रभु, तू मेरा सहारा है प्रभु, मेरे जीने की एक नई राह है प्रभु। आप धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। मेरे मुश्किल घड़ी में प्रभु आप हमेशा हमारे साथ रहता है। जीवन के हर परेशानी में प्रभु आप हमेशा मेरे साथ रहता है। हम जानते हैं प्रभु हम इस योग्य इस लायक नहीं है प्रभु, लेकिन धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। और आपने हमें योग्य बनाया है। मेरा विश्वास सिर्फ तुझ पर है प्रभु। साथ रहेगा तू सदा।
से प्रभु आपने मुझे बचाया है, एक नई जिंदगी दिया है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम जानते प्रभु हम यहाँ पे खड़ा होने का लायक नहीं है प्रभु जी, हम इस काबिल भी नहीं है, लेकिन प्रभु आपने हमसे प्रेम किया, हम धन्यवाद देते हैं। सारे आराधना प्रभु हम आपको देते हैं। आगे का समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा प्रार्थना सुनने वाला उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करो पिता, आमीन। We will keep on standing and read from the Psalms। हम लोग खड़े रहकर के भजन संहिता में से पढ़ेंगे, भजन संहिता 68 उसका 11 से लेके 20 तक बारी बारी से पढ़ेंगे। आई रिक्वेस्ट अरुण भैया टू कम फॉरवर्ड लीड अस इन रीडिंग साफ्स। भजन संहिता 68 उसका 11 से लेकर के 20 तक बारी बारी से हम पढ़ेंगे। साफ्स नंबर 68 वर्सेस 11 टू 20 वी विल रीड रिस्पॉन्सिवली। आइए हम ऊंची आवाज में भजन संहिता पढ़ें, भजन संहिता 68 एक से 11 से लेकर 20 तक बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनने वालियों को कि बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थिन लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी के और जिसके पर पीले सोने से मड़े हुए हों। जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर-बितर किया, तब मानो सलमोन पर्वत पर हिम पड़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है, बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है, वो जहां यहोवा का दास वास किए रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं, प्रभु उनके बीच में है जैसे सीने पवित्र स्थान में है। तू लोगों को बंधुआई से ले गया, तूने मनुष्यों से वरन हटेले मनुष्यों से भी भेंटे ली जिससे या परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर है। यहोवा प्रभु मृत्यु से बचाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि इस तरह से हम इकट्ठे होकर के परमेश्वर की आराधना कर सके, स्तुति कर सके। परमेश्वर के भवन में आप सबका आज मैं इस सप्ताह के पहले दिन आराधना सभा में स्वागत करता हूं। अभी हमारे इमानुएल कोयर के जो पुराने एक कोयर मेंबर हमारे बीच में हैं, मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि वो आगे आकर के एक स्पेशल नंबर प्रस्तुत करेंगी। मेरी आंटी हमारे बीच में हैं, वो आगे आकर के एक स्पेशल नंबर प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद हम लोग संदेश में जाएंगे। आइए हम यहोवा को धन्यवाद करें गीतों के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा। परमेश्वर ने जितने उपकार हमारे लिए किए हैं उसका कितना भी धन्यवाद करें वो कम है। ये गीत का बोल इस प्रकार है, यहोवा 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 जिंदा खुदा। यहोवा नाम इतना पवित्र है कि यहूदी लोग उस नाम को लेने से, अपने होठों पर लेने से डरते हैं। ये डर से नहीं, मतलब आदर के साथ कि हमारे उच्चारण में उस महत्वपूर्ण नाम की कहीं कमी ना हो जाए। आदर के साथ इस गीत गाते समय अपने आप को परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ हम बातें करते रहें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें।
भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाएं तो खुल जाएगा ए पाक यहोवा निसी, तू झंडा को मुकाम। ए पाक यहोवा राफा, तू शाफी को मुकाम। तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल से रखे ईमान। मसीह मेहरबान उसके पीछे चले, शक ना करे दिल में रखे ईमान। मसीह मेहरबान जो भी चाहे हो जाएगा यहोवा। तू है यहोवा रे जो मुहैया करता है, तू है जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा यहोवा। जिस बात में मेरे साथ गा सकते हैं यहोवा। जिंदा खुदा वो हमारा है बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा है बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा नाम को, प्रतिदिन हम धन्यवाद करते रहें, उसकी छत्र छाया में रहें, उस अम्ब्रेला के नीचे से हम बाहर ना निकले, क्योंकि इस दुनिया में खतरा है, उस नाम में हमारा छुटकारा है। जब भी हम उसके नाम को पुकारेंगे वो हमें छुड़ाएंगे, क्योंकि वचन कहता है यरमिया 33:3 में, कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर, तू मुझसे प्रार्थना कर। और मलयालम में भी उसका अर्थ बहुत सही है, नी एन्ने विळिच्चपेक्षिक्या ज्ञान ननकुत्तरमरलुम। यू कॉल अनटू मी, जब हम यहोवा ईरे नाम से उन्हें पुकारेंगे वो आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। जब आप उन्हें यहोवा शम्मा के नाम से पुकारेंगे वो आपके संग संग रहेंगे। वचन में लिखा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया, धन्यवाद। मुझे जो मौका दिया हाईली एस्टीम्ड बिशप सर ने, उनका धन्यवाद, क्योंकि मैंने गाना प्रैक्टिस नहीं किया था। फिर भी हम प्रभु का गाना गाने में कभी गलती हो सकती है, लेकिन हम कभी पीछे ना हटें, परमेश्वर के धन्यवाद में लगे रहें, 24 घंटे उसकी स्तुति करते रहें। बासी आराधना परमेश्वर को नहीं चाहिए, फ्रेश आराधना। सुबह जो करते हैं, दोपहर को जो करते हैं वो नया है, शाम को जो करते हैं वो और अति नया हो जाता है। प्रति मिनट उसकी आराधना करते रहें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। आप लोग मेरे साथ सब उठ सकते हैं, ये आप मेरे साथ कह सकते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद, आप सब बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। गाने में गलती हुई तो माफ करना।
student in school. एक अच्छी गायिका हैं और दूसरी जो है स्कूल में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी. And whatever was left, I got it. जो कुछ बचा हुआ था वो मुझे मिला. Yeah, समझ में. I have a PhD, passed high school with very difficulty. Turn your Bible to book of Matthew. अपने बाइबल को मत्ती रचित समाचार की ओर खोलें. Before we do that, Abhishek, are you here? Yeah, stand. When he was in Kota last year, 10 years ago, he was maybe 3 feet tall. Now he is 6'2". Wilson, your height. Yeah, so we welcome you. And your mother, my sister, would you please stand? We welcome you to Emmanuel Church. Thank you for coming. Yeah. Because now they have to go to the Vigyan Nagar Church. So you may proceed. That's why I wanted to make sure that they feel welcomed. Okay. Book of Matthew. Chapter 5. Matthew's Samachar, uska 5va adhyay. Verse 21. Uska 21va pad. By the way, didn't you think it was good to see the choir, the musicians, everybody together? Kya aapko nahi lagta ki choir, musicians sabko ek saath dekh kar ke acha laga? Humko to tab tak acha nahi lagega jab tak pura nahi bane. Aur pura bane tabhi ye pankha sahi jagah nahi hai. Kuch to karoge aap. Sahi hai. Koi dikkat nahi. Matthew chapter 5. Matthew samachar uska 5va adhyay. Verse 21, please. Kis vapat? Matthew 15, I'm sorry. Matthew 15. 15, Matthew 15 uska 21. Is it 25? Did I give you 25 in the reference? 25. Yeah, 25, 21. 25 ka 21 padhenge. Chale Watson bol raha hai unko kya ho gaya subah subah. Uske swami ne usse kaha, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास. यस यस हां. तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट गॉड टेस्ट यू? आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है? यस और नो? वन, ओनली वन. बस एक ही? नोबडी एल्स? टू, थ्री. हाउ डज गॉड टेस्ट यू? परमेश्वर परीक्षा कैसे लेता है? Does he give it, does he test you by giving you 50,000 rupees? क्या वो आपको 50,000 रुपए देकर के परीक्षा लेता है? Does he give you test by giving you a position? या फिर आपको एक स्थान मान देकर के आपकी परीक्षा लेता है? How does he do it? कैसे करता है वो? God has a very interesting way of testing you. परमेश्वर के पास आपको परीक्षा, आपकी परीक्षा लेने का बहुत ही अच्छा एक तरीका है. Your small deed may go unnoticed by others but not by God. आपकी छोटी छोटी बातें जो है वो हो सकता है कि दूसरों के द्वारा अनदेखा कर दिया जाए, लेकिन परमेश्वर उसको अनदेखा नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गिव अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर टू समवन इन हिज नेम, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट. उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अगर आप किसी को एक ग्लास ठंडा पानी देते हैं पीने के लिए, वो भी जो है लोगों को हो सकता है कि अनदेखा हो जाए, लेकिन परमेश्वर के लिए वो महत्व रखता है. टू एक्सप्लेन दिस लिटिल बिट क्लियरर, लेट्स लुक एट द लाइफ ऑफ जोसेफ. इसको थोड़ा और विवरण में बताने के लिए हम देखते हैं यूसुफ की कहानी. जोसेफ वाज अ टिपिकल ह्यूमन बीइंग, जस्ट लाइक एनी अदर ब्रदर्स, जोसेफ वाज नो डिफरेंट. यूसुफ जो है वो एक साधारण व्यक्ति था, दूसरे भाइयों के समान. यूसुफ में कोई ऐसा अंतर नहीं था, सब बराबर था. बट ही वाज बिट्रेड बाय हिज ब्रदर्स. लेकिन उसके भाइयों के द्वारा ही उसको तिरस्कारा गया. लाइड अबाउट हिज बॉसेस वाइफ अबाउट हिम. और उसके बॉस की जो पत्नी है उसके बारे में उससे झूठ बोला गया. Because of that, he had to spend 13 years in prison. और उसके कारण उसको 13 साल तक जेल में बंद होना पड़ा. Joseph had all the reason to be sour. अब यहाँ पर यूसुफ के पास कड़वाहट के लिए बहुत अवसर था. He had all the reasons to be sour with God, with life, with everybody else. परमेश्वर के साथ, अपने जीवन में सबके साथ जो है कड़वाहट लाने का बहुत अच्छा कारण उसके पास था. Many of us spend most of our time thinking about self-pity. हमें से कई जो है हमारे जीवन के अधिकतर समय जो है अपने आप को हीन समझने में बिताते हैं. Let me repeat again. दोबारा बोलता हूँ. Nobody knows what poor condition I live in. मैं किस अवस्था में जी रहा हूँ कोई नहीं जानता. Nobody knows I have no money for toothpaste. किसी को मालूम नहीं है कि मेरे पास toothpaste खरीदने का भी पैसा नहीं है. Nobody knows that my bathing soap is finished last week. किसी को मालूम नहीं है कि मेरा नहाने का साबुन पिछले हफ्ते खत्म हो गया. Nobody knows that I don't have many things. So what we do, Satan encourages us
instead of looking at the beauty of God's blessings in our life, He makes us focus on self-pityness. और क्या होता है हम सोचने बैठते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है. इससे क्या होता है कि शैतान जो है आपके जीवन में परमेश्वर के आशीषों को बुला करके आपको जो है आपके जीवन में जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करा देता है. Imagine 13 years in prison. जरा कल्पना करके देखिए 13 साल बंदी गृह के अंदर. Fond good memories of brothers putting him in the pit. Good memories. और उसके जीवन में जो है बहुत अच्छे जो स्मरण है वो आए उस खड्डे में. Good memories that he has been accused by his boss. और उसके पास बहुत अच्छे स्मरण ये है कि उसके खुद के जो शासक है स्वामी है उसके द्वारा उसको जो है बुरा कहा गया. You know how he overcame that? आपको मालूम है कि उन सबसे उसने कैसे जीत पाया? Instead of focusing on self-pity, he started to focus on others. अपने आप को दीन करने के बजाय अपने आप को जो हीन समझने के बजाय उसने जो है परमेश्वर के आशीषों पर ध्यान देना शुरू. The Bible says Joseph found two inmates in prison. One was a butler and the other one was a baker. और परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ को बंदी गृह में दो व्यक्ति मिले. एक तो जो है जो कसाई था और दूसरा जो है खानसामा था. Turn in your Bible to book of Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक जरा निकालें. Chapter 40:6. 40 का 6 जरा पढ़ें. सवेरे जब यूसुफ उसके पास अंदर गया तब उन पर उसने दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं. Not that he was sad. ये नहीं था कि वो खुद उदास है. He saw that inmates were sad. उसको ये दिखा कि वो जो उसके साथ है वो लोग वहां पर दुखी. I want you to pay attention. Life is not about how sad you are. Life is about who else is sad and what can you do for them. मैं आपको इस बात पर ध्यान देना चाहूंगा दिलाना चाहूंगा कि जीवन जो है आपके सोच के अनुसार नहीं या दूसरे क्या सोचते हैं उसके अनुसार. बिफोर गॉड कुड यूज जोसेफ टू बी द लीडर ऑफ ए नेशन कॉल्ड इजिप्ट ही वांटेड टू सी हाउ फेथफुल ही विल बी इन प्रिजन टू हिज इनमेट्स. परमेश्वर मिस्र देश के जो है प्रधान बनाने से पहले यूसुफ को परीक्षा लेना चाहता था. परमेश्वर यह देखना चाहता था कि वो अपने साथ में जो लोग हैं उनके साथ कितना विश्वास योग्य रहेगा. Some of you, I think you are confused with this story. मुझे आप लोगों की शक्ल देख करके ऐसे लग रहा है कि आप लोग इस कहानी से जो है असमंजस में है. Let me reword it. मैं इसको थोड़ा सा दूसरे शब्दों में बताता हूँ. जोसेफ डिड नॉट नो that he was going to become the prime minister of Egypt. He did not know that. Yusuf ko malum nahi tha ki wo ek din Misr desh ka pradhan banega. You know what is our problem? Aapko malum hai hamari samasya kya hai? We know that we will be the prime minister of Egypt. Hame malum hai ki hum ek din jo hai ye Misr desh ke pradhan mantri banenge. So why should we help anybody? One day my time will come, then I will show them. To main kisi ki madad kyon karu? Ek din jab mera samay aayega tab main dikhaunga. How many of you have said to yourself for the last 30 years of your Christian life, I will do this for God if God does this for me? आप में से कितनों ने अपने मसीह जीवन के पिछले 30 साल में परमेश्वर से ये कहा है कि अगर परमेश्वर मेरे लिए ये करता है तो मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा? You are still in the same place. आप अभी भी उसी जगह पर हैं. You know why? अलमे क्यों? He cannot trust you. क्योंकि वो आप पर भरोसा नहीं रख सकता. He can only trust you how faithful you are in the prison when nobody is watching you. Do you see others who are sad? आप वो जो है तब देखता है जब कोई और नहीं देख रहा और जब आप उस इस बात को वो परखता है कि आप कितने ध्यान देते हैं दूसरों के प्रति जब दूसरों के दुख को किस तरह से देखते हैं. In other words, he did not know that this baker and butler one day will open the door for him to come back to the Pharaoh's court. Dusre shabdon mein hum ye keh sakte hain ki usko malum nahi tha ki ek din ye jo kasai aur ye jo khana banane wala hai ye uske liye ek mark kholenge ek dwar kholenge ki wo ek din raja ke darbar mein pahunch jaye. Christians, masiyon, compassion is very important to God. सद्भावना या शांति जो है बहुत जरूरी होता है परमेश्वर के लिए. I have all the reasons not to have compassion on others, but that is not how God wants it. मेरे पास पूरे कारण हैं कि मैं दूसरों के प्रति शांति ना रखूं, लेकिन परमेश्वर हमसे ऐसे नहीं चाहता है. One of those boys went to Pharaoh and says, "We met a man named Joseph in prison."
उन में से एक व्यक्ति जो है फिरौन के पास जाकर के कहता है कि बंदी गृह में हमने एक व्यक्ति से मिले थे जिसका नाम यूसुफ है। Yesterday I had to go to central jail. कल मुझे सेंट्रल जेल जाना पड़ा। After 2006 that was my first visit. 2006 के बाद ये मेरा पहला दौरा था वहां का। So I went there because a man was put in prison month ago. मैं वहां पर इसलिए गया था क्योंकि एक व्यक्ति है जिनको कि एक महीने पहले ही जेल में डाला गया है। Non Christian. एक गैर मसीह। He met a Christian inside the prison, Kota Central Jail. वो कोटा सेंट्रल जेल में अंदर जो है एक दूसरे बंदी गृह में एक दूसरे बंदी से मिले जो कि एक मसीह है। He is not an Indian, he is a foreigner. वो भारतीय नहीं है, वो विदेशी है। So this friend of mine or this acquaintance of mine, he tells me, sir, I want you to help me get this man out. और ये जो मेरे पहचान वाले हैं, ये मुझसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप जो है मेरी मदद करें कि ये व्यक्ति बाहर आ जाए। So the jailer was sitting there, he knew me. वो जो जेलर वहां पर थे वो मुझे जानते थे। So he said, sir, this gentleman was brought into prison by God so he could meet this Christian brother so you could come and try to understand his situation see if you can help that is how God works वो जेलर जो है वो बैठ करके बोलता है कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को जेल में भेजा ताकि ये जो परमेश्वर कार्य करे और इसके जीवन में और आप जैसे व्यक्ति जो है इससे आकर के इसकी मदद कर सके let me tell you how God tests you परमेश्वर ऐसे ही काम करता है मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर किस तरह से जांचता है he will bring the need in front of you वो आपकी जरूरत को आपके सामने लेकर आएगा If you don't meet it, you have failed the test. अगर उस जरूरत को आप पूरा नहीं करते हैं तो आप उस जो परीक्षा है उसमें पराजित होते हैं अब मैं थोड़ा हिंदी में समझा दूं हमारे बीच में एक विधवा है हम उनके लिए पैसा लेंगे मॉरिसन 1000 शेले वाटसन 2000 मिसेस डिक्सन 3000 मिसेस राव 4000 और किसी के नाम तो आते नहीं ना चर्च में बताऊं क्यों उन्हीं को बोलने दो हम क्यों हाथ उठाएं हमारे बिना ही जरूरत पूरी हो जाती है लेडीज एंड जेंटलमैन यू हैव फेल्ड द टेस्ट आपने उस जांच पे या आपने उस परीक्षा में पराजित हुए हैं देयर इज नॉट वन पर्सन इन दिस चर्च हु कैन नॉट हेल्प द पुअर एंड नीडी इस कलीसिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकता नॉट फॉर फेम आप प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं बट द रीजन गॉड वॉन्ट्स टू टेस्ट यू डू यू हैव ए आई दैट रिस्पॉन्ड्स टू द नीड ऑफ पीपल परमेश्वर आपको परखना इसलिए चाहता है वो देखना चाहता है कि आपकी आंख ऐसी है क्या कि जो लोगों को की जरूरत को देख सके डू यू डिजायर टू डू ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड क्या आप परमेश्वर के लिए महान कार्य करने की इच्छा रखते हैं स्टार्ट शोइंग गुड एटीट्यूड टू दोस हु आर इन नीड जो जरूरतमंद हैं उनके प्रति एक अच्छा बर्ताव आप दिखाएं यू नो आई थैंक गॉड फॉर द प्रिविलेज दैट गॉड्स गिवन मी सो दैट वी कैन बी हेल्प टू सो मेनी पीपल मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा एक अवसर दिया है कि हम दूसरों की मदद कर सकें एवरी डे हर एक दिन मेक श्योर यू यूज योर टाइम यू यूज योर आईज ऑफ कंपैशन टू ग्लोरीफाई गॉड आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप अपना समय का सदुपयोग करें और आपके आंखें जो है परमेश्वर के जो शांति है उसके साथ दूसरों को देखें When you are given a risk and if you do it without complaining, God will honor it. जब आपको एक काम दिया जाता है और आप बिना शर्त या बिना किसी सवाल के उसको करते हैं तो परमेश्वर आपको आदर देगा Turn in your Bible to book of Psalms. आप जरा निकालें भजन संहिता Psalms chapter 56 verse 3. उसका 56 का 3 जरा पढ़ें जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा ट्रस्ट इन गॉड्स अनचेंजिंग कैरेक्टर परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले उस चरित्र पर भरोसा रखें लिसन टू मी ध्यान से सुने इधर इफ यू लिव लॉन्ग इनफ यू विल हियर बैड न्यूज वन डे जब आप ज्यादा सुनेंगे तो आप एक दिन बुरी खबर जरूर सुनेंगे वन डे यू विल हियर यू हैव अ वेरी बैड हेल्थ और हो सकता है आप एक दिन ये सुने कि आपका स्वास्थ्य खराब है One day you will hear that you have a problem in your marriage. और एक दिन हो सकता है कि आप ये सुने कि आपके विवाह में कुछ समस्या है Someday you will have a problem in your work. हो सकता है कि एक दिन आपके काम में जो है कुछ समस्या हो जाए There may be an accident in your life. हो सकता है कि आपके जीवन में कोई दुर्घटना हो जाए
lot of things can happen as long as you're still alive. Things will happen, bad or good. बहुत सारी बातें हैं जो आपके जीवन में हो सकती हैं जब तक आप जीवित हैं अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ तो होगा इन बैड टाइम्स यू नीड टू होल्ड द हैंड ऑफ गॉड बुरे समय में आपको परमेश्वर के हाथ को पकड़ना है हाउ डू यू होल्ड इट नोइंग दैट ही इज लविंग केयरिंग एंड वर्दी ऑफ आवर प्रेज आप उसको कैसे थामेंगे ये जान करके कि वो ध्यान रखने वाला है प्रेमी है और हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला है लिसन टू मी Sometimes he will answer your prayers. Sometimes he will just give you assurance of his presence. कई बार वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, कई बार वो आपको जो है उस जवाब की सुनिश्चितता देगा. Did you hear the difference? आपने अंतर समझा? Sometimes he will give you the answer you need. कई बार वो आपको जो है आपका जो जरूरत है उसके अनुसार जवाब दे देगा. Sometimes he will not give you the answer. He will just give you his presence, nothing else. कई बार वो क्या करेगा कि उसका कोई जवाब नहीं देगा वो अपनी उपस्थिति आपके साथ सुनिश्चित कर देगा इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड चेंजिंग टाइम आई वांट यू टू पुट योर ट्रस्ट इन एन अनचेंजिंग गॉड इस बदलने वाले दुनिया में बदलने वाले समय में मैं चाहूंगा कि आप एक कभी ना बदलने वाले परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा रखें गॉड इज स्टिल टेस्टिंग पीपल ही हैज नॉट चेंज्ड परमेश्वर आज भी जो है लोगों के परखता है वो बदला नहीं है साम्स 142 142 वर्स 2 उसका दूसरा पद पढ़ें मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूं मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं डिड यू नो दैट गॉड आपको मालूम या गॉड डस नॉट आस्क यू टू डिनाई योर पेन परमेश्वर आपसे यह नहीं कहता कि आप अपने दर्द को जो है तिरस्कार दें ही डस नॉट वांट यू टू डिनाई योर लॉस वो नहीं चाहता कि आप अपने जो जो आपको नुकसान हुआ है उसको आप तिरस्कार दें या अनदेखा कर दें सपोज योर हाउस बर्न डाउन सपोज मान लीजिए कल्पना कीजिए कि आपका घर जल गया डॉक्टर मॉरिसन कम्स टू विजिट योर हाउस और डॉक्टर मॉरिसन आपके घर पर आते हैं दिस इज एवरीथिंग ओके पूछते हैं कि सब ठीक है यस यस एवरीथिंग इज फाइन सब ठीक है सब ठीक है डू यू नीड एनीथिंग किसी चीज की जरूरत है नो 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 वी डोंट नीड एनीथिंग अरे कुछ नहीं सब ठीक है कुछ नहीं चाहिए दैट्स अ First class lie. ये सबसे पहला झूठ है. You know what you should say? मालूम है आपको क्या कहना चाहिए? I don't have any bed. मेरे पास कुछ भी शस्त्र नहीं. I don't have any fan. मेरे पास कोई फैन नहीं है. I don't have extra clothes. मेरे पास कपड़े नहीं है. But I trust God will provide. लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ कि वो सब पूरा करेगा. That's the correct answer. ये है सही जवाब. But when you become arrogant, full of pride, you have no problem lying because you don't want to bend in front of people. It's not about bending. God tests you in small things, then only he will make you master over great things. लेकिन जब आप घमंड से भर जाते हैं और आप हठीले हो जाते हैं उस समय पर आपको झुकने में दिक्कत होता है झुकने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए लेकिन ये है कि परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हर एक चीज को सही करेगा Hebrews chapter 5. इब्रानियों की पत्री उसका पांचवा अध्याय Verse 7. सातवां पद पढ़ें। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई Listen to me. ध्यान से सुने Jesus prayed with tears. Somehow we feel tears are weakness. कई बार हम ये सोचते हैं कि ये जो आंसू है ये कमजोरी है. He is testing you whether you have tear for your need or not. You will pass the test. वो आपका जांच कर रहा है, परख रहा है आपको कि आपके जो जांच के समय पर क्या आपके जीवन में आंसू है कि नहीं है. अगर आंसू हैं, तो आप उस जांच में या उस परीक्षा में आप पराजित नहीं होते हैं आप जो है जय पाते हैं Let me make it a little bit more simpler. थोड़ा और उसको साधारण करता हूं If you don't pour your heart to God, you become a hard-hearted Christian. अगर आप अपने हृदय को पूर्ण रूप से परमेश्वर के सामने उंडेलते नहीं है तो आप जो है एक कठोर हृदय वाले मनुष्य बन जाएंगे Did you hear me? क्या आपने सुना If you just pray, Lord, thank you for this food, thank you for this day, Amen. आप बैठ करके ये प्रार्थना करेंगे प्रभु भोजन के लिए धन्यवाद और खाने में मदद कर तेरा धन्यवाद आमेन अगर ऐसा प्रार्थना करते हैं तो आप में एक हठीलापन दिखता है You are some people to pray, they pray like as if they are shouting at God.
आप कुछ लोगों से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करने के लिए बोलिए, वो प्रार्थना इस तरह से करेंगे कि ऐसा लगेगा कि परमेश्वर से गुस्सा हो रहे हैं। इन सम क्रिश्चियन अबोमिनेशन, सॉरी डिनोमिनेशन, और कुछ सभा विभागों में दे कमांड जीसस, वो प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा देते हैं। Nowhere in the Bible are we asked to command Jesus when we pray. परमेश्वर के वचन में कहीं भी प्रार्थना के समय पर प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा देने के लिए नहीं लिखा है। Can I command the Chief Minister of Rajasthan? क्या मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को आज्ञा दे सकता हूँ? हाँ, अरे forget Chief Minister, I cannot even command the ठेला वाला in Kota. अरे आप मुख्यमंत्री को भूल जाइए, यहाँ कोटा में ठेले वाले को मैं आज्ञा नहीं दे सकता। But we command God. Command God in the name of God. I command you, really. लेकिन हम परमेश्वर को आज्ञा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं। You know what God does when he hears such prayer? He goes like this. आपको मालूम है परमेश्वर क्या करता है जब इस तरह की प्रार्थना को सुनता है? वो अपने कान बंद कर लेता है। I encourage you to pour your heart to God so your heart always remains tender to his voice. मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं कि आपके हृदय आप परमेश्वर के सामने उंडेलिए ताकि आपका हृदय जो है हमेशा जो है विनम्र रहे। Deeper the hurt, deeper the prayer. जितना गहरा घाव होगा उतना गहरा प्रार्थना होगा। You cannot go deep if you only know how to pray on the surface. अगर आप तल पर ही प्रार्थना करना जानते हैं तो आप जो है गहराई में नहीं जाएंगे। I encourage mothers to go deep and pray for your children. मैं माओं को प्रोत्साहन देता हूँ कि आप गहराई में जाकर के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। I pray for the spouse, pray deep. Where the trouble is. मैं पति पत्नियों को यह प्रोत्साहन देता हूं कि आप गहराई में जाकर के जो है अपने पति पत्नी के लिए प्रार्थना करें। As I close, जब मैं समापन की ओर आता हूं, When you hit the rock bottom, you bounce back, you understand his presence is there also. जब आप बिल्कुल चट्टान से टकरा जाएंगे तो आप जो है वापस उछलेंगे, तब आप समझेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां है। I like to leave with one question and one reference. मैं आपको एक सवाल और एक वचन के साथ छोड़ना चाहूंगा। You know why God shakes you? आपको मालूम है कि परमेश्वर आपको क्यों हिलाता है? I'll tell you. मैं आपको बताता हूं। He shakes you to produce unshakable faith. वो आपको इसलिए हिलाता है ताकि आपका जो विश्वास है वो अडिग हो। Yeah. He wants to produce unshakable faith that cannot happen without shaking. वो आपके जीवन में एक ऐसा विश्वास उत्पन्न करना चाहता है जो कभी हिलेगा नहीं। I travel a lot on train. मैं ट्रेन में बहुत सफर करता हूँ। Where? In different countries. और अलग-अलग देशों में। Some people are so expert. कुछ लोग तो इतने निपुण होते हैं। They know how to stand on the train. उनको मालूम है कि ट्रेन में कैसे खड़े रहना है। Announcement is made. Hold on, train is about to leave the station. यह घोषणा होती है कि आप थोड़ा ध्यान रखें। क्योंकि ट्रेन जो है स्टेशन से चलने वाली है। These are not old people. ये बुजुर्ग लोग नहीं है। Young people. जवानों की बात कर रहा हूँ। They know how to balance. उनको मालूम है कि कैसे वो संतुलन बनाना है। I see this every trip when I'm traveling in other countries. जब भी मैं हर एक ट्रिप में जब भी मैं दूसरे देश में जब मैं यात्रा कर रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ। As soon as the train takes off. जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है। At least two people in my car fall down. दो लोग मेरे बोगी में तो गिर जाते हैं। Then they look at others. Did anybody see? No. Everybody is blind and deaf. फिर वो इधर उधर देखेंगे, किसी ने देखा तो नहीं, सब जैसे तो अंधे हैं। You know, God allows you. He shakes you. Not that you have balance in you. You reach for something you hold on to. That is the grace of God. परमेश्वर जो है आपको हिलाता है इसलिए नहीं कि आप जो है संतुलन बना सकें। परमेश्वर आपको इसलिए हिलाता है ताकि आपके जीवन में वो एक ना हिलने वाला विश्वास उत्पन्न कर सके। Genesis chapter 28, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय verse 15, उसका 15वां पद पढ़े। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। Amen. He's a faithful God. वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। Whatever he promised, he will fulfill. जो कुछ वो वायदा करता है वो उसको पूरा करेगा। Now my question is, अब मेरा सवाल ये है, will you place your trust in him? क्या आप अपने भरोसे को उसके ऊपर रखेंगे? As I close, जब मैं समापन की ओर आता हूँ,
If you are faithful in little, अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य होंगे, He will make you master over great things. तो वो आपको बड़े बातों में निपुण बनाएगा. This is not in my message, but I feel I should share this with you. ये मेरे संदेश में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये आपके साथ साझा करना चाहिए. Dr. M. A. Thomas was a student in Hindustan Bible Institute. Dr. M. A. Thomas जब हिंदुस्तान बाइबल इंस्टीट्यूट में एक विद्यार्थी थे. Nobody knows this story. I don't know if my sister knows this story. और ये किसको ये कहानी किसी को मालूम नहीं है मुझे भी ये भी नहीं मालूम कि मेरी बहन को ये मालूम है कि नहीं There was a book on Romans written by Dr. J. Vernon McGee. और डॉक्टर जे वर्नन मकी के द्वारा लिखा हुआ रोमियो की पत्री के ऊपर एक पुस्तक था आई लव दिस स्टोरी आई वांट टू शेयर दिस एवरी टाइम आई गेट अ न्यू बाइबल स्टूडेंट्स दे शुड हियर दिस स्टोरी और मैं इस कहानी को बहुत पसंद करता हूँ मैं जब भी एक नए बाइबल विद्यार्थी से मिलता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो ये सुने My father said most of the students in Bible school, some returned the book and some took it home. वो जो किताब उनके बाइबल स्कूल के जो जितने भी विद्यार्थी थे कुछ तो वो उन्होंने वापस कर दिया कुछ जो है वो लेके चले गए My father was also tempted not to give the book. मेरे पिताजी ने भी जब उस पुस्तक को पढ़ने के लिए लिया तो वो लगभग परीक्षा में पड़ गए थे कि इसको वापस ना दूं. He said, Sam, Satan said, keep the book. HBI has so many books. उन्होंने कहा कि सैम शैतान ने मुझसे कहा कि तू ये पुस्तक रख ले एचबीआई के पास तो बहुत बुक्स हैं He said, somehow I allowed God to take over and I returned the book. और उन्होंने कहा कि जैसे तैसे मैंने परमेश्वर को मौका दिया कि वो उस बात पर जीत पाले और मैंने उस पुस्तक को वापस दे दिया This was 1959. ये 1958 की बात है 59 की बात है 1993 1993 में डॉक्टर एम ए थॉमस वाज प्रीचिंग एट अ कॉन्फ्रेंस डॉक्टर एम ए थॉमस एक कॉन्फ्रेंस में प्रचार कर रहे थे वन ऑफ द विजिटिंग गाइस इन दैट चर्च वाज जे वर्नन मकी और उस कलीसिया में जो लोग आए थे उनमें एक था जे वर्नन मकी ही वेंट टू माय फादर वो मेरे पिताजी के पास गए एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ जे वर्नन मकी और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं जे वर्नन मकी हूं माय फादर सेड वाओ व्हाट अ प्रिविलेज टू मीट यू मेरे पिताजी ने कहा कि अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के क्या सौभाग्य है मेरा कि आपसे This is while you were preaching Dr. Thomas God was speaking to me I should give you one set of commentary of mine free और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर थॉमस जब आप प्रचार कर रहे थे तो परमेश्वर ने मुझसे ये बात किया कि एक सेट मेरा जो कमेंट्री का है वो मैं आपको दे दूं So he asked my father only one commentary you need मेरे पिताजी से पूछा कि क्या आपको एक ही कमेंट्री चाहिए In that time, we had 250 pastors with Emmanuel. उस समय पर इमानुएल के साथ 250 पास्टर थे. All 250 got the complete set freely shipped from US to Kota. उन सब 250 पासवानों के पास उस पूरा एक-एक सेट जो है वो दे दिया गया वो भी बिल्कुल मुफ्त में भारत में कोटा तक पहुंचा कर. One set, even today, one set is 74,000 rupees. आज भी उसका एक सेट जो है 74,000 से कम नहीं God honored faithful in the one book. उस एक पुस्तक में जो उन्होंने विश्वास योग्यता दिखाई परमेश्वर ने उसका आदर किया I'm asking you to be faithful in little. मैं आप लोगों को प्रोत्साहन देता हूँ कि आप भी जो है थोड़े में विश्वास योग्य रहे Wherever you are, be faithful. जहां कहीं भी आप हैं आप विश्वास योग्य रहे He will make you master over great things. वो आपको बड़े चीजों में निपुण बनाएगा May the Lord bless us. Help us to walk in His ways. Let's pray. परमेश्वर हमारी मदद करे, आशीष दे और मदद करे कि उसके मार्ग पर हम चल सकें. आइए हम प्रार्थना करें. सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. तूने आज हमारे तेरे वचन के द्वारा हमें एक और बार समझाया, सिखाया कि तू किस तरह से हमारी परीक्षा लेता है. तो हमारी परीक्षा इसलिए लेता है ताकि हम समझ सकें कि तू हमारे प्रति विश्वास योग्य है. प्रभु जी थोड़े में भी तेरे प्रति विश्वास योग्य होने के लिए मदद कर, सहायता कर. ये हम प्रार्थना करते हैं, हम में से प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपते हैं. प्रभु जी मदद कर, सहायता कर कि तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को हम बिता सकें. हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं. हर एक बात के द्वारा तुझे महिमा मिले, यही दुआ करते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं. सुन और कबूल कर पिता, आमीन. अभी ये भेंट का समय, उसी समय पर भाई डेविस आगे आकर के स्पेशल सॉन्ग सुनाए.
Praise the Lord. Praise the Lord. ये एक इंग्लिश गाना है, उसका मलयालम ट्रांसलेशन है. आप लोगों ने कहीं ने सुना होगा ये गाना. You were the word at the beginning, one with God, Lord Most High. Your hidden glory in creation now revealed in you are Christ. इसका मलयालम वर्जन है. इसका मतलब है कि आप शुरुआत में शब्द थे, परम प्रधान परमेश्वर के साथ एक, और सृष्टि में छुपा हुआ आपका गौरव अब हमारा मसीह आप में प्रकट हुआ है. और कितना ही सुंदर नाम है प्रभु यीशु मसीह का. Yeah.
praise God. Praise the Lord. Give a hand of applause to the band and to the singer. Yeah, that's good. Birthdays of this week, Miss Millie and Mr. Anand Murmu. Okay. Anybody else has birthday? Just because your name is not mentioned here does not mean you will not have birthday. Your birthday is there, tell us. Now, हम तो हम बताएंगे नहीं हमको अब तो मैं कभी नहीं बताऊंगी मेरा बर्थडे कब है मत बताओ नुकसान आपका है एक बच्चा रो रहा था स्कूल में क्या हो गया बेटा बोला मैं कैसे बता लूँ कि मेरा जन्म हुआ इस दुनिया में बता क्या हो गया बोला बर्थ सर्टिफिकेट ही खो गया बिगेस्ट बर्थ सर्टिफिकेट इज यू यू आर देयर डोंट वरी हैप्पी बर्थडे टू यू ओनली वन विल नॉट डू Born again means salvation. Happy birthday to you. All right, I have a question. When will this church building be completed? एक सवाल है आपके लिए मेरे पास कि ये चर्च बिल्डिंग कब पूरा होगा? I promise you, it will be completed the day it is completed. मैं आपको वादा देता हूँ कि जिस दिन ये काम खत्म हो जाएगा तब पूरा हो जाएगा. So don't ask me question for which I don't have an answer. इसलिए आप मुझसे ऐसा सवाल मत पूछिए जिसका जवाब मेरे पास नहीं हो आई एम नॉट द कॉन्ट्रैक्टर आई एम नॉट द कारपेंटर आई एम नॉट द लेबर मैं इसमें कोई ठेकेदार भी नहीं हूँ मैं इसमें जो है खाती भी नहीं हूँ और ना ही मैं लेबर हूँ बट बिलीव मी आई हैव पुट इनफ प्रेशर टू मेक श्योर दिस इज टू बी डन फास्ट और लेकिन विश्वास कीजिएगा कि मैं इतना दबाव दे चुका हूँ कि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए नेक्स्ट संडे चर्च सर्विस विल बी इन द स्कूल अगले इतवार को चर्च सर्विस स्कूल में हो सकता है बिकॉज द सीलिंग विल बी मिसिंग हियर क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि छत गायब हो सो दैट द रैप्चर कैन टेक प्लेस क्विक यहाँ उठा लिया जाना जल्दी हो जाए सो हूएवर इज सिटिंग इन दिस सेक्शन विल बी कॉट अप इन द एयर तो ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग जल्दी उठ जाएं सो पीपल ऑन दिस साइड एंड द बैक साइड विल बी स्टिल हियर तो इसलिए यहाँ के और जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो लोग यहीं रह जाएं ओके Baptism was supposed to be this Sunday. One believer wants to be baptized for the last three Sundays. By the way, this place will be the future baptism tank right here to the right. Don't worry. The new baptism tank, pastor will not go in the tank. I designed it specially for that. Only the believer goes in the water. I will be standing outside. But don't worry, when you see from there, you will look like both are in the water. It is called in Hindi, illusion. You understand the Hindi word? Okay. Okay, Mrs. Prabhakaran uncle's family is here, I think. Shibi is here. Would you please stand? Who else has come? Okay. And who did I talk to on the phone? Your sister? Okay. And who else is here? Introduce who they are and how come they come here with you. Okay, we're so good to see you. You are one of the good professors of Bible school. We are happy that you're here, but we are also thankful for your family. In the days when my father was there, the faithful believers of the church, let's welcome them to Emmanuel Church. Okay, so openly you're invited to have lunch with me. If you don't eat lunch, You will not go to heaven today, not eternity, only today. Have a seat. All right. Any other prayer request? These two are celebrating their birthday. I hope they will put the offering. Because one gentleman is standing in the back, thinking that after prayer he can sit. I will watch. We have now two cameras. Okay. Let's pray. Father, we thank you for the ones who celebrate their birthday. I pray that you bless them in the grace of God. Thank you for our visitors, our old friends who have come. May they find the peace of God, the presence of God, and the power of God in this place. We pray for this church building construction. Provide the financial need, emotional need, above all spiritual need. But at the same time, physical need. Keep all the laborers, everybody who works,
You bless them in their business, but also keep them safe. And I pray that this worship center will be a place that will draw more people to you. Pray for our nation. Pray for the election of our nation. Let your will be done. You can do anything. Nothing is impossible for you. In Christ's name, amen. Please pray for the believers in Chhattisgarh. I have received a video. It has shocked me for life. छत्तीसगढ़ के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कीजिए. मुझे एक वीडियो मिला है जो मुझसे देख करके बहुत ज्यादा मैं शोकित हुआ हूं. इफ आई सेंड द वीडियो टू यू आई प्रॉमिस यू यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप. अगर मैं वो वीडियो आपको भेज दूं तो मैं आपको वायदा देता हूं कि आप सो नहीं पाएंगे. वीडियो वाज फॉरवर्डेड टू मी बाय अ मुस्लिम फ्रेंड. और ये वीडियो जो है मुझे मेरे एक मुस्लिम दोस्त ने भेजा था. व्हेन आई वॉच द वीडियो इट इज अ 17 मिनट वीडियो. जब उस वीडियो को मैंने देखा वो एक 17 मिनट का वीडियो है. आई वॉच द पास्टर्स फेस देन आई रियलाइज आई नो दैट पास्टर. जब उस पास्टर का चेहरा मैंने देखा तो मुझे ये ध्यान आया कि मैं इस पास्टर को जानता हूँ. दे हैड आयरन रॉड लोहे के डंडे थे. एंड दे हैड आयरन व्हील ऑन द एंड ऑफ द रॉड. और उस डंडे पे जो है अंत में लोहे का एक चक्का था. They must have hit his head, his hand and legs at least 1,000 times. हजारों बार उसके हाथों पे और पैर पर जो है मारा गया. No case is registered up to now. उसका कोई केस नहीं लगा. Please pray for the pastor and his family. उस पास्टर के लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए. And one day I pray that our church will be able to do something for him. I don't know if he will live because he is, as I heard this morning, he is in intensive care. Fighting for life. और आशा करता हूँ कि हमारी कलीसिया एक दिन उनके लिए कुछ करे. मुझे मालूम नहीं कि वो जीवित बचेंगे नहीं बचेंगे क्योंकि आज सुबह की खबर के अनुसार वो इंटेंसिव केयर यूनिट में आईसीयू में है और बहुत ही सीरियस कंडीशन में है. We are living in a very different time. हम बिल्कुल अलग समय में जी रहे हैं. Please pray for wisdom from above. परमेश्वर के बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए. I don't want to live in this country with fear of any person. I want to live in this country with fear of God only. मैं इस देश में किसी भी व्यक्ति के भय में नहीं जीना चाहता. मैं केवल परमेश्वर के भय में जीना चाहता हूँ. Things are going to get bad. वक्त और बुरा होने वाला है. How long will we be able to worship? We don't know. हम कितना और समय तक आराधना कर पाएंगे मालूम नहीं. But let us not forget our brothers and sisters who are suffering for the sake of Christ. लेकिन हम हमारे भाई बहन जो मसीह के लिए सताए जा रहे हैं उनके लिए आप प्रार्थना करना ना भूलें. If you think about the people and the need of the people. जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं और उनके जरूरतों के बारे में सोचते हैं. What is the greatest need? तो सबसे बड़ी जरूरत क्या होगी? Depression is a great need. We need to talk about that. अवसाद एक बहुत बड़ी जरूरत है. इसके बारे में हमें बात करना चाहिए. I dealt with it 5 Sundays ago. और कुछ 5 संडे पहले मैंने इसके बारे में बताया था. Today we will deal with loneliness. आज हम अकेलेपन के विषय में देखेंगे. But before we do that, वो करने से पहले, let's stand up. हम सब खड़े हो जाएं. Please wake the person who is sleeping next to you. आपके पास में जो सो रहे हैं उस व्यक्ति को उठाएं. Yeah, and say that it's time to stand up. और उससे कहें कि अरे खड़े हो जाओ. Yeah. If you have difficulty in standing, we'll never ask you to stand. अगर आपको खड़े होने में कोई तकलीफ है तो हम आपसे जबरदस्ती खड़े होने के लिए नहीं बोलेंगे. Yeah. I want you to know, I can stand for every song. Believe me, I can stand for any song. मैं बता देना चाहूंगा कि मैं हर गाने के लिए खड़ा होना चाहता हूँ. Why I remain seated? लेकिन मैं बैठता क्यों? Not because I am the pastor of the church. इसलिए नहीं कि मैं इस कलीसिया का सीनियर पास्टर हूँ. I sit there because I am trying to collect final thoughts. मैं वहां बैठ करके अंतिम विचार जो है वो इकट्ठा करता हूँ. But I know what you think. लेकिन मुझे मालूम है कि आप क्या सोचते हैं. पता नहीं मोटा अपने आप के बारे में क्या समझता. हम सबको तो खड़ा करता था, खुद बैठता रहता है. मैं सब समझता हूँ. आपके आत्मिक विचारों से मैं बहुत परिचित हूँ. ठीक है, अपन मिलकर गाना गाएं. हो सके तो हाथ मिला लो. प्यार करते हो किसी से तो.
before Emmanuel Christopher, his sister passed away, went to be with the Lord yesterday, and please pray for Pavan. He's not been feeling well. Pray that God would heal him. And by the way, thanks to the sound engineers, they're doing a great job. And the people, the students who put the chairs, it's not easy. They will take the chair from here to another place, from that place to here. It's good exercise, but we appreciate you for doing that. Let's give them a hand of applause. They have done a great job in keeping this together. Book of Psalms. Bhajan Sanhita. Chapter 102. Uska 102 adhyay. We're talking about how to deal with loneliness. हम आज बात करने जा रहे हैं कि अकेलेपन का सामना कैसे करें. Monitor, how to deal with loneliness. अकेलेपन का सामना कैसे करें. Psalms 102 verses 6 through 7. 102 भजन संहिता उसका 6 और 7 पढ़े. मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ. मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ. मैं परा परा जागता रहता हूँ और गोरे के समान हो गया हूँ जो छत के ऊपर अकेला बैठता है. Read again so that everybody understands the scripture we are talking about. दोबारा उसको पढ़ेंगे ताकि सब लोग समझ जाएं कि क्या आयत हम देख रहे हैं. मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ. मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ. मैं परा परा जागता रहता हूँ और गोरे के समान हो गया हूँ जो छत के ऊपर अकेला बैठता है. Yeah, I watch and I'm as a sparrow alone upon the housetop. Alone is the word. वहाँ पर जो अकेला शब्द है वो देखेंगे आज हम. Loneliness is a problem all over the world. ये जो अकेलापन है ये पूरी दुनिया में एक समस्या है. What is the problem? Problem is loneliness. समस्या क्या है? समस्या ही अकेलापन है. Like a pelican in the wilderness, in verse 6 it is written. और छठे पद में जैसे हम देखते हैं कि जंगल में धनेश के समान. An owl in the desert. और मरुभूमि में एक उल्लू के समान. As a sparrow alone on the rooftop. और एक छत पर बैठे हुए अकेले बैठे हुए उस चिड़िया के समान. Can you imagine how insignificant a sparrow feels when the sparrow is all alone on the housetop? जब एक चिड़िया एक घर की छत पर अकेली बैठी हो तो उसको कैसा महसूस होता होगा? क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं? Turn in your Bible to book of Matthew. मत्तीरस समाचार की ओर अपने बाइबल को खोलें. Chapter 10 and verse 29. उसका 10 और 29 पढ़ें. क्या पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पास पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती. So small, so unnoticed bird, but the Bible gives two reference. One is on the housetop alone, and you can buy two for the price of one. और दोनों जो है बिल्कुल अलग अवस्था में दिख रहे हैं यहाँ पर. परमेश्वर का वचन जो है एक को तो घर की छत पर दिखा रहा है और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि उसको जो है बेचा जा रहा है. An insignificant bird, in other words, who cares about the sparrow? और एक ऐसी चिड़िया जिसका कोई महत्व नहीं है. और दूसरे शब्दों में हम कहें कि इसके बारे में कौन सोचे? That too, why the focus is on sparrow being alone on the housetop? और भी ये देखें कि ये जो चिड़िया है जब वहां अकेली बैठी है इसके ऊपर ध्यान क्यों दिया जा रहा है? Why am I preaching this message today? आज मैं इस संदेश को क्यों प्रचार कर रहा हूं? We need to learn how to handle our emotions before emotions handle us. हमारी भावनाएं हम पर हावी होने से पहले हमें सीखना चाहिए कि हमारी भावनाओं को कैसे हम नियंत्रित करें. We need to control the emotions. Emotions should not control us. हमारी भावनाओं को हम नियंत्रित करें ना कि भावनाएं हमें नियंत्रित करें. By the way, I don't feel I'm a Christian. I don't feel it. मुझे ये महसूस नहीं होता कि मैं एक मसीह हूँ. I have the assurance I am one. मेरे पास ये सुनिश्चितता है कि मैं एक मसीह हूँ. Christian life is not feeling, it's not emotional, it is blessed assurance. मसीह जीवन कोई भावनाएं नहीं है या महसूस करना नहीं है. ये एक धन्य आशा है, धन्य सुनिश्चितता है. So we are talking about dealing with loneliness. हम यहाँ पर अकेलेपन का सामना करने के बारे में बता रहे हैं. Loneliness is a common fact. ये जो अकेलापन है ये एक सामान्य बात है. Loneliness is the most devastating, distracting things of all ages. सब युगों में हम देख सकते हैं कि ये जो अकेलापन है ये बहुत ज्यादा थकाने वाला
या निराश करने वाला और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। Don't think of loneliness as some curious abstraction. अकेलेपन के बारे में ऐसा मत सोचना कि ये कोई ऐसी बात है जो कि हमें उत्तेजित करके और हमारा ध्यान आकर्षित करती है। Don't think of loneliness as a rare phenomenon. और ऐसा भी मत समझना कि ये कोई असाधारण जो तथ्य हो। This is an inevitable, unavoidable fact of life. People are fighting loneliness. ये एक ऐसा तथ्य है जिसको हम कभी जो है भुला नहीं सकते या इसको कभी हम त्याग नहीं सकते। The rich, the poor, the famous, non-famous, everybody fights this loneliness. चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे प्रसिद्धि पाए हुए हो, चाहे किसी को जानने वाले ना हो, हर एक के जीवन में अकेलापन जरूर आता है। Janis Joplin was a famous rock star. Janis Joplin करके एक बहुत अच्छे गायक थे। The world would fall at her feet when she would perform rock music. जब वो गीत गाया करती थी तो दुनिया जो है वहां पर उसके पैर पर गिर जाती थी। In the entertainment industry, her name was so famous. मनोरंजन की दुनिया में उसका नाम बहुत ही प्रसिद्ध था। In a small apartment in California. California के एक छोटे से अपार्टमेंट में। She went there with few needles in the room. और कुछ सुइयों को लेकर के वो कमरे में गई। She took the overdose of heroin and she died. और हेरोइन का ओवरडोज लेकर के उसकी मृत्यु हो गई। After her death, they could see the series of time that she has attempted this needle, and every time she did not die, but this time she did. और जब उसकी मृत्यु हो गई तो लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके जितनी बार उसने ये ड्रग लिया है उतने बार में पहले कभी नहीं मरी, लेकिन इस बार वो मर गई। After her last performance before she went to Los Angeles, और उसके अंतिम परफॉर्मेंस के बाद लॉस एंजेलिस जाने से पहले, she called her best friend. उसने अपने सबसे घनिष्ठ मित्र को फोन किया। She said, "I'm going to try one more time and see if this heroin will take my life." और कहा कि मैं एक बार और कोशिश करके देखती हूँ कि ये जो नशा है ये मेरे जीवन ले ले कि नहीं। So her friend asked a question. तो उसके मित्र ने एक सवाल पूछा। Is there something that you have done that you cannot forgive yourself? क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे हो? You know what she said? मालूम है उसने क्या कहा? After every performance, I come to my apartment and all I do is watch TV, eat potato chips, watch TV, eat potato chips. I am so sick of being lonely. That is what's killing me. उसने कहा कि हर एक परफॉर्मेंस के बाद में मैं अपने घर पर आकर के क्या करती हूँ? केवल यही करती हूँ कि टीवी देखती हूँ और चिप्स खाती हूँ, आलू चिप्स खाती हूँ, टीवी देखती हूँ, आलू चिप्स खाती हूँ, केवल यही किया है मैंने और इस अकेलेपन से मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। This is a problem with majority of the people. ये अधिकतर लोगों की समस्या भी है। What is loneliness anyway? ये अकेलापन क्या है? Let me first of all tell you what loneliness is not. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अकेलापन क्या नहीं है। Loneliness is not an isolation. अलग होना जो है वो अकेलापन नहीं है। Loneliness is not solitude. और बिल्कुल जो अकेला कर दिया जाए वो भी अकेलापन नहीं है। Solitude is good, loneliness is bad. अलग कर दिया जाना जो है वो अच्छा होता है लेकिन अकेलापन अच्छा नहीं है। We need some solitude like you need some solitude from other believers. और हमें जो है अलग कर दिया जाना की जरूरत होती है जैसे आप लोगों को किसी दूसरे विश्वासी के से अलग करना। This is one of the reasons I don't come very often for house visiting. और यही एक कारण है कि मैं अधिकतर घर में विजिटिंग के लिए नहीं आता हूँ। Because I know when you see me, क्योंकि मुझे मालूम है जब तुम आप मुझे देखते हो। If you see Dixon Auntie, Rosamma Auntie and Mrs. Das, you feel better. और Dixon Auntie, Rosamma Auntie, Mrs. Das जो है वो तो अच्छा महसूस करती हैं। But when you see me, लेकिन जब मुझे देखते हैं, your reaction is, oh no, here he comes again. अरे ये आ गया फिर दोबारा। So I respect your solitude. इसलिए मैं आपके अलगाव को जो है आदर देता हूँ। I respect your time alone, especially when the IPL is going on. और आपका समय अलग जो विशेषकर अभी जब आपकी IPL चल रहा है तो उसको मैं आदर देता हूँ। But I'm not talking about solitude. I'm talking about loneliness that makes you so desperate that you want to end your life. मैं यहाँ पर अलगावपन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकेलेपन की बात कर रहा हूँ। ये आपको जो है बिल्कुल निराश कर देती है। यू कैन बी अलोन विदाउट बींग लोनली। आप जो है अकेलापन
के बगैर भी अकेले हो सकते हैं. But if you are one of those people who cannot be alone, you are so scared, you've got a problem. लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेला रहना पसंद नहीं करता, वो डर जाता है, तो आपकी कुछ समस्या है. Because when you read the life of Jesus, he withdrew from people, he went into the wilderness, went on the mountain to pray alone. He was believing in solitude. क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, तो वो लोगों से अलग हो करके पर्वत पर जाकर के अकेले जाकर के प्रार्थना करता था. Have you noticed all the young people, they have a headphone, they are listening to some music. Why? They are afraid to be alone. आपने देखा होगा कि जितने भी जवान हैं वो एक हेडफोन लगा लेते हैं और अलग म्यूजिक सुनते हैं. क्यों? क्योंकि वो अकेलेपन से डरते हैं. They don't want to be alone. They're scared to be alone. Then you've got a problem. This message, hope it will bring some comfort to you. वो अकेला महसूस करना नहीं चाहते या अकेला होने नहीं चाहते, उनको बहुत डर लगता है. अगर आप में से कई लोग ऐसा भी देख ऐसा महसूस करते हैं, तो ये संदेश आपके लिए. If you have to be occupied always, two reasons. अगर आपको हमेशा जो है संगति की जरूरत है, तो दो कारण. You don't want to face God and you don't want God to talk to you. Uska do karan ye, ek karan ye hai ki aap jo hai Parmeshwar ka samna nahi karna chahte, dusra ye ki aap Parmeshwar se baat chit karna nahi chahte. Some teenagers, kuch yuvak jo hai, they have only headphones, no phone. Unke paas keval headphone hai, koi phone nahi hota. How do I know? Mujhe kaise malum? Because when I go and visit some places, kyunki jab main kai jagahon par jab jata hu, so he said, what are you listening to? मैं जब पूछता हूँ कि क्या सुन रहे हो, नथिंग बोलता, ना कुछ नहीं. सर यू हैव ईयरफोन? मैं बोलता हूँ कि आपने ईयरफोन तो लगा रखा है. इट्स गोइंग ऑल द वे फ्रॉम हियर इनटू हिज जीन्स. वो यहाँ से बिल्कुल उसके जीन्स में जा रहा है. सो आई सेड यू डोंट हैव अ फोन? बोला नो, पीपल थिंक आई हैव अ फोन बट आई डोंट हैव अ फोन. मैं पूछता हूँ कि तेरे पास फोन नहीं है क्या, तो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे पास फोन नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि मेरे पास फोन है, मेरे पास फोन नहीं है. लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, ही इज नॉर्मल. मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि वो एक साधारण व्यक्ति. Have you seen teenagers nowadays, they wear their baseball cap backwards? Have you seen that? क्या आपने जवानों को देखा है, वो अपने टोपी जो है उल्टा पहनते हैं? Don't criticize them. They are telling you openly they are going in the wrong direction. Please help me. और आप उनका आलोचना ना करें, उनके बुराई ना करें. वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, मेरी मदद करो. सो सॉलिट्यूड, being alone with God is nothing wrong, but feeling loneliness, if you are a child of God, you have a problem. Alag hona ya parmeshwar ke sath algav jo hai wo koi dikkat nahi hai, wo pareshani ki baat nahi hai, lekin agar aap akelapan mehsoos kar rahe hain to aapko dikkat hai. You can be alone without being lonely. Aap jo hai akele hone ke baad akele hone hoye bagair bhi आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं. There is a difference between being lonely and being lonesome. और अकेलापन महसूस करने और अकेला होने में अलग अंतर है. You can be lonesome without being lonely. आप जो है अकेलापन महसूस किए बगैर भी अकेले हो सकते हैं. When you are lonesome, you are just away from home and your dear friends. That is lonesome. आप अकेला तब महसूस कर सकते हैं जब आप अपने परिवार से बाहर हैं, अपने मित्रों से दूर हैं. When you left your family, you are about to go home, you are just feeling that longing to be back with the family. आप जब अपने परिवार से अलग हो गए और फिर जब आप परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो वहां पर आपके जीवन में एक ऐसा भावना आती है कि आप अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं, वो एक खुशी आपके जीवन में होती है. Somebody asked me, किसी ने मुझसे पूछा, Do you have a secret for family life? क्या आपके पास पारिवारिक जीवन के लिए कोई रहस्य की बात है? Yes, short visits makes long friends. मैंने कहा कि हाँ है, छोटे छोटे जो दौरे हैं वो बड़े मित्रों को बनाते हैं. नहीं आया समझ में. When I am with my family, by the time the fight starts, I have my next flight. मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं अपने परिवार के साथ हूँ, तो अगर वहाँ पर जब लड़ाई शुरू होने वाली होती है, तो मैं अगला फ्लाइट ले लेता हूँ. By the time I am about to fight with the staff here, I am on my next flight. जब मैं यहाँ पर स्टाफ से लड़ाई करने के लिए होता हूँ, उसी समय मेरा अगला फ्लाइट हो जाता है. So the secret is short visits makes long friends. इसलिए रहस्य यही है कि आपका दौरा अगर छोटा हो, तो लंबे मित्र बनते हैं. आई लव ऑल द लेडीज, सर माई हस्बैंड डज नॉट स्पेंड टाइम एट होम, माई हस्बैंड डज नॉट गिव मी इनफ टाइम, माई हस्बैंड ऑलवेज इज बिजी. इन द कोरोना टाइम दे सेड, सर व्हेन विल द कोरोना बी ओवर, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ सीइंग यू एट माई हाउस 24 आवर्स 7 डेज अ वीक, ही इज अ पेन यू नो वेयर.
और कई परिवार में देखें तो स्त्रियां बोलती हैं कि अरे मेरे पति जो है उसके पास कोई समय नहीं है, हमारे लिए परिवार के लिए कोई समय नहीं है, हमेशा व्यस्त रहता है। लेकिन कोरोना के समय पर वो आकर के यही स्त्री बोलती है कि अरे कोरोना कब खत्म होगा, अरे इसको देख देख के मैं पक चुकी हूँ। डिड यू नो यू कैन बी लोनली इन ए क्राउड? क्या आपको मालूम है कि आप भीड़ में भी तन्हा हो सकते हो? Bigger the crowd, lonelier you are, because loneliness is a personal problem. जितनी बड़ी वहाँ भीड़ हो वहाँ पर अधिक समय ये होता है कि आप तनाव हो जाते हैं, क्योंकि आप जो हैं वहाँ पर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। A city is a place where hundreds of people are lonely together. एक शहर ऐसी जगह है जहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं अकेले हैं। Sometimes crowd enhances the loneliness. कई बार ये जो भीड़ है ये हमारे अकेलेपन को और बढ़ाती है। People who are lonely look at other people who are happy, they become more unhappy. जो अकेले हैं वो लोग जो हैं दूसरे लोग जो खुश हैं उनको देख करके और अधिक अकेलापन महसूस करते हैं। People who are lonely when they see other friends, they become more lonely. वो लोग जो अकेलापन महसूस करते हैं जब दूसरे मित्रों को देखते हैं तो और अधिक अकेलापन महसूस करते हैं। When you are in restaurant and you see a person enjoying the time with his family at a dining table, you become more lonely. Loneliness is a problem. जब आप रेस्टोरेंट में अकेले बैठे हैं और आप दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है, वहां बैठ करके आप और अधिक अकेलापन महसूस करते हैं। Did you know what is the most famous bar in New Delhi now? It is called the Single Bars. There people are lonely. They want to go and find somebody somewhere. क्या आपको मालूम है कि दिल्ली में अभी सबसे प्रसिद्ध बार कौन से हैं? उसको कहते हैं सिंगल बार, जहां पर अकेले व्यक्ति जाता है और अकेले बैठता है। They are trying to see if somebody can fix the problem of the loneliness. वो लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई जो है इस अकेलेपन की समस्या का समाधान निकाल दे। Some people think that loneliness can be drowned in the bottle of alcohol, but afterwards they find out loneliness knows how to swim even in alcohol bottle. कुछ लोग ये सोचते हैं कि शराब की बोतल में इस अकेलेपन को डुबा सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनको लगता है कि अरे शराब में भी ये लोग तैर लेते हैं। They feel like a pelican in the desert. They feel like an owl in the desert. They feel like the sparrow alone on the housetop. वो जो है जंगल के गनेल के समान अब अपने आप को महसूस करते हैं, वो उस उल्लू के समान अपने आप को महसूस करते हैं और उस चिड़िया के समान अपने आप को महसूस करते हैं जो छत पर अकेली है। You know what is loneliness? आपको मालूम है अकेलापन क्या है? Loneliness is not isolation. Loneliness insulation. ये जो अकेलापन है ये अलग होना नहीं है लेकिन जुड़ना है। Insulation means I am cut off. Nobody has a relationship with me. That is loneliness. और अकेलापन उस समय लगता है जब हम अपने आप को दूसरों से अलग कर देते हैं, हम दूसरों से कट जाते हैं, किसी से कोई रिश्ता नहीं है हमारा। When you feel unloved, जब हम महसूस करते हैं कि हमें कोई प्रेम नहीं करता। When you feel uncared, जब हम महसूस करते हैं कि हमारा कोई ध्यान नहीं देता। When you feel unneeded, जब हम महसूस करते हैं कि हमारी किसी को जरूरत नहीं है। Maybe you feel unnecessary, हो सकता है कि आप ये महसूस करें कि अरे मेरे कोई जरूरत ही नहीं है। Your diagnosis is loneliness. मैं आपको बता दूं कि आप जो है ये जो अकेलापन है इसके बीमार है। The chief damage of this generation and the generation past is loneliness. इस पीढ़ी और पीढ़ी जो निकल गई है उसके सबसे बड़ी नुकसान जो है वो है अकेलापन। Everybody has a need. सबके पास कोई जरूरत है। Some people have more need than the others. कुछ लोगों में तो दूसरों से ज्यादा जरूरत होती है। But there are three major needs according to a lot of psychologists. बहुत सारे मनोविज्ञानों के अगर हम मानेंगे तो वो ये कहते हैं कि उसके बहुत सारे अलग आयाम हैं। Number one, they say the need is they need someone to share love and belong to that person. वो कहते हैं कि सबसे पहला आयाम या पहले जरूरत ये है कि कुछ लोगों को किसी न किसी की जरूरत होती है कि वो जो है उसको प्रेम दिखा सके। They need someone to love and be intimate. और वो उससे जुड़े रहें और उससे प्रेम दिखाते रहें। Number two, they need someone who can understand them without questioning. और दूसरा वो ऐसे व्यक्ति खोजते हैं जिनको जो कि उनको समझ सके बिना किसी सवाल के। नंबर थ्री द नीड इज एवरीबडी वांट्स टू बी वांटेड। और तीसरी जरूरत ये है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको पूछा जाए। नाउ इफ यू डोंट हैव समवन टू लव, अगर कोई प्रेम करने वाला ना हो, इफ यू डोंट हैव समवन हु अंडरस्टैंड्स यू, कोई आपको समझने वाला ना हो, Someone who tells you that I need you, if you don't have that person, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो आपको बता दे कि आपकी जरूरत है मुझे, I don't care how much money you have, तो
तो आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, आई डोंट केयर हाउ मच पोजेशंस यू हैव, आपके पास चाहे कितनी बड़ी संपत्ति क्यों ना हो, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम कॉल्ड लोनलीनेस। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में एक बड़ी समस्या है अकेलेपन की। व्हाट इज द कॉज ऑफ लोनलीनेस सिंस इट इज सच अ बिग फैक्ट, ये इतना बड़ा एक तथ्य है, तो इसका कारण क्या है इस अकेलेपन का? राइट डाउन प्लीज, आप लिख लीजिए जरा। लोनलीनेस इज कॉज्ड बाय रिजेक्शन, त्यागे जाने से अकेलापन होता है। सो मेनी पीपल हैव ट्राइड फ्रेंड्स एंड दे फील रिजेक्टेड, कई लोगों ने जो है मित्रता बनाई लेकिन फिर भी वो जो है तिरस्कारे गए। मेनी हैव बीन बर्न्ड बाय देयर फ्रेंड्स, कई लोगों को तो उनके मित्रों के द्वारा जला दिया गया। मेनी हैव बीन इग्नोर्ड बाय देयर फ्रेंड्स, कई लोगों को उनके मित्रों के द्वारा अनदेखा कर दिया गया। मेनी हैव बीन पुट डाउन बाय देयर फ्रेंड्स, कई लोगों को अपने मित्रों के द्वारा नीचे गिरा दिया गया। मेनी ऑफ यू हैव अ डीपर वुंड बाय अ फ्रेंड, कईयों के जीवन में हम देख सकते हैं कि उनके मित्रों के द्वारा एक गहरे घाव है। द वुंड हैज बीन सो डीप दैट इट हैज नॉट हील्ड, वो गांव इतना गहरा है कि वो पूरा वो जो है चंगा नहीं हुआ है। सो व्हाट डू दे डू, तो क्या करते हैं वो लोग? दे अवॉइड देमसेल्फ बाय बिकमिंग फ्रेंडली विद एनीबॉडी एल्स, वो अपने आप को दूसरों से मित्रता से दूर कर लेते हैं। लेट मी आस्क दिस, एक सवाल पूछता हूं आपसे। इफ ए कैट सिट्स ऑन अ हॉट स्टोव, इफ ए कैट सिट्स ऑन अ हॉट स्टोव, मान लीजिए कि एक बिल्ली जो है एक जो जलती हुई स्टोव पर बैठ जाए, डू यू थिंक द कैट विल एवर गो नियर द हॉट स्टोव, क्या आपको कभी लगता है कि वो बिल्ली दोबारा उस चूल्हे के पास जाएगी? कैन यू एवर इमेजिन शी विल गो इवन नियर अ स्टोव, क्या वो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो जो बिल्ली है वो किसी भी चूल्हे के पास जाए? सेम वे वी हैव बीन बर्न वंस, वी विल नेवर गिव अनदर अपॉर्चुनिटी टू बी एवर फ्रेंडली अगेन। इसी तरीके से अगर हम एक बार जल जाते हैं तो हम दूसरी बार जो है किसी को मौका नहीं देते हैं कि हम मित्र बन सकें। I would like to encourage you, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं। Those Christians who are sitting in front of me and believe that we should not have friends, वो विश्वासी जो यहाँ बैठ करके मेरे सामने बैठ करके ये मानते हैं कि हमारे कोई मित्र नहीं होना चाहिए, you are very very correct, आप बिल्कुल सही हैं, but 100% unbiblical, लेकिन 100% आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। Because there is a reference in the Bible. क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक He who wants friends must show himself friendly. वो जो मित्र चाहता है वो अपने आप को मित्र अपने आप में मित्रता दिखाए। Yeah, people will not force friendship on you unless you don't desire it. जब तक आप मित्रता की का आप इच्छा ना रखें, लोग आपके ऊपर मित्रता थोपेंगे नहीं। You have been rejected. क्या आप महसूस करते हैं कि आपको त्यागा गया है? Therefore, I will never have friendship again. अरे इसलिए मैं आप कभी भी मित्रता नहीं रखूंगा। I have good news. मेरे पास आपके लिए शुभ संदेश है। Remain in the club of lonely people. आप जो है अकेले लोगों के क्लब में बने रहें। Listen. ध्यान से सुनना। I have been hurt many times. मुझे कई बार चोट पहुंचाया गया। I have hurt some of you. I am very professional at that. और मैंने आप में से कईयों को चोट पहुंचाया है, उसके लिए तो मैं बहुत निपुण हूं। I have a good news for you. मेरे पास एक शुभ संदेश है आपके लिए। If you have hurt me, अगर आपने मुझे चोट पहुंचाया है, I forgive you, तो मैं आपको क्षमा करता हूं। If I have hurt you, अगर मैंने आपको चोट पहुंचाया है, get over it, तो उसके ऊपर जाए। नहीं आया समझ में? माने मैं हिंदी में समझाऊं, अगर आपने मेरे से गलती की है मैं आपको क्षमा करता हूं, अगर मैंने आपसे गलती की है आगे बढ़ो। नहीं समझ में आ रहा आपको? ये बाइबल में नहीं लिखा, ये मैंने अपने आप बनाया है, आप आयत मत ढूंढना इसकी। What I am trying to say to you, if you sit there, you have this philosophy. I have learned a lesson. No more friends, no other closeness. You are a patient of loneliness. अगर आप बैठ करके बोल रहे हैं कि मैंने ये पाठ सीख लिया है, अब कोई मित्र नहीं होगा, मैं किसी से मित्रता नहीं करूंगा, तो आपने जो है वहां पर कुछ खोया है। Burn once, burn twice, burn thrice. Jesus said, "Forgive them 7 times 70." एक बार जल गए, दूसरी बार जल गए, तीसरी बार जल गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि 7 गुना 70 बार क्षमा करो। आपने देखा कई लोग हंसते कैसे हैं? रोशमिता कैसे हंसते हैं? बताओ ऐसे हंसते? ही क्यों? आज ज्यादा हंसोगे तो कल रोना पड़ेगा। भजन संहिता 171 उसकी नवी आयत। सही है ना? एक और भजन संहिता है, भजन संहिता 185 उसकी नवी आयत। कभी भी चप्पल को उल्टी ना रखें,
घर में लड़ाई हो सकती है, संभावना है। एक और सुन लो, भजन संहिता 199 उसकी तीसरी आयत, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने में अगर आपको कभी भी उसका जवाब ना मिले तो काला धागा इधर उधर पहन लो। कैसा लगा ये सब? I cannot solve your problem of loneliness. You have to make a decision. You want to come out of loneliness? No matter how many times somebody has hurt you, ask God to give you a heart of friendship. मैं आपको आपके अकेलेपन से बाहर नहीं निकाल सकता। आपको अपने आप को सोचना होगा कि अगर किसी ने मुझे कितना भी चोट को ना पहुंचाया हो, मैं उस अकेलेपन से बाहर निकलूंगा। Number two, loneliness is caused by insecurity. ये जो अकेलापन है, ये असुरक्षा का जो भावना है, उससे उत्पन्न होता है। They don't have a good self-worth. They are insecure. वो जो है अपने आप में जो है असुरक्षित महसूस करते हैं। They don't think that anybody will accept them. वो ये नहीं सोचते कि कोई भी उनको स्वीकार करेगा। They think that nobody wants to be their friend. वो ये सोचते हैं कि कोई भी उनका मित्र नहीं बनना चाहता। There is a saying, Wilson. There is a saying. एक कहावत है। The best girls are ones who reject you first. वो जो best girls होते हैं, वो वही होते हैं जो सबसे पहले आपको जो त्याग दें। Good philosophy. सही सिद्धांत। But you may lose a prince charming. लेकिन ऐसा होगा तो आप हो सकता है कि प्रिंस चार्मिंग को खो दें। नहीं आया समझ में? हमारे बीच में एक प्रिंस है, डॉक्टर मॉरिसन। उन्होंने एक लड़की को बोला, प्यार शादी करना चाहते हो? सोचेंगे। ये भाई साहब रुकेगा? मैंने तो सोचा था कि ऐसे बोलने से वो मेरी नम्रता पर, मेरे वचनों पर ध्यान दे के शायद मेरी और पलट जाए। नहीं, दुनिया में गाड़ी किसी के लिए रुकती है। ज्यादा भाव मत खाओ प्लीज, भाव खाओगे तो पड़े रहोगे। समझ गए? राम प्रसाद जी को समझ में आ रहा है ना? यू आर इनसिक्योर, यू हैव सच ए बैड ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ विच कॉजेस यू टू कंटिन्यू इन दिस फॉर्म ऑफ लोनलीनेस। अगर आप ये समझते हैं, ये सोचते हैं, सोच रखते हैं कि मैं असुरक्षित हूं, तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे एक अवस्था में जहां आप जो है अकेलेपन में जा रहे हैं। Let me explain to you what loneliness does. Loneliness does not build bridge between me and Mrs. Dixon. It builds wall between me and Mrs. Dixon. मैं आपको बताता हूं कि ये अकेलापन क्या करता है। ये जो अकेलापन है, ये मुझ में और डिक्सन आंटी के बीच में पुल नहीं बनाएगा, ये मेरे और डिक्सन आंटी के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है। इफ देयर इज अ वॉल बिटवीन यू एंड समबडी एल्स, आई प्रॉमिस यू, यू आर अ पेशेंट ऑफ लोनलीनेस। अगर आपके और किसी और के बीच में एक दीवार है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो हैं इस अकेलेपन के बीमार हैं। नंबर थ्री, तीसरी बात, लोनलीनेस इज कॉस्ट बाय सोरो। ये जो अकेलापन है, ये दुख से होता है। इट इज नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, दे आर जस्ट इन सोरो, so they just feel alone. इनके कोई गलती नहीं होती, ये बस दुख में है, इसलिए वो अकेले हैं। For that, let us open Job. इसके लिए देखें जरा अय्यूब की पुस्तक। Book of Job, chapter 7, verse 16. अय्यूब की पुस्तक उसका 7:16। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है, मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता, मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। ब्रजेश सुना, दोबारा पढ़ो उसको। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है, हाँ, मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता, मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। जॉब चैप्टर 19, अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय। प्लीज रीड वर्स 13-19, उसका 13-19 पढ़ें। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है, जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं, मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं, मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं, जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी हैं, उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूँ, जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है, मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है, लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं, और जब मैं उठने लगता
तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। थॉमस साहब, आपको मालूम है आपकी संस्था के खिलाफ कौन है? आपके लोग। नई बात नहीं है, अय्यूब में भी यही लिखा है। या मुझे मत सिखाओ, आपको मालूम है सबसे खतरनाक आदमी कौन है आपके राइट हैंड में जो खड़ा है? अब वो उसने भी सुना है कुछ, थॉमस का बच्चा कभी न सच्चा, ये खड़ा हो ये भी बोलता है। ये बोलता है सर सबसे खराब आदमी मेरे लेफ्ट साइड में खड़ा है। हम यही करते रहते हैं, लेफ्ट राइट। Create in me a new heart, O Lord. Find if there is anything that does not please you, change it. मुझमें एक नया हृदय बना प्रभु, अगर कोई बात है जो तुझे प्रसन्न नहीं करती है तो मुझे तू बदल। मैं कुछ हिंदी में बोलना चाहता हूं। जिस संस्कृति में हम लोग रहते हैं ना, वहां विधवाओं को बहुत गलत नजर से देखते हैं। विधवा हो गई, विधवा हो गई, विधवा, इनको शादी में मत बुलाओ, विधवाओं को इनको कभी महिला संगीत में मत बुलाओ, क्योंकि विधवा के आने से अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं बता दूं आपको, मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं जिसने हमें कल्पना दी है अनाथों और विधवाओं की। सुधी लो, सबसे पहले उन्हें इज्जत दो, फिर आगे बढ़ो। मसीही जीवन की खूबी यही है, यहां पर कोई भी व्यक्ति तुच्छ नहीं है, सबसे परमेश्वर प्यार करता है। लेकिन कभी हमारे जीवन में क्लेश आता है तो हम इतना पीछे हट जाते हैं कि हम पुल की जगह अपने जीवन में दीवार बना देते हैं, और उस दीवार के कारण हम अकेलापन महसूस करते हैं। नंबर फोर, चौथी बात, लोनलीनेस इज कॉस्ट बाई सेल्फिशनेस। ये जो अकेलापन है ये जो है स्वार्थीपन से आता है। लिसन, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट सोरो कम्स, यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन टू द सोरो। ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में कौन सा दुख आता है इस पर आप नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो उसका कैसे सामना करना है ये आपके ऊपर है। Somebody has said these words. किसी ने इस प्रकार कहा है, देर इज नो लाइफ सो एम्प्टी एज ए सेल्फ सेंटर्ड लाइफ एंड देर इज नो लाइफ सो सेंटर्ड एज ए सेल्फ एम्प्टी लाइफ। एक स्वयं केंद्रित जीवन के बगैर से बढ़कर के कोई अकेलापन का जीवन नहीं है, लेकिन और दूसरा चीज अकेले नियंत्रण में जो जीवन है उससे बढ़कर के कोई दूसरा जीवन। देर इज नो लाइफ सो एम्प्टी as a self-centered life and there is no life so centered as a self-empty life. Swayam kendrit jeevan se badhkar ke koi khali jeevan nahi hai aur swayam jo khali jeevan par niyantrit ya kendrit jo jeevan hai usse khali koi jeevan dusra nahi. I'll give you another example how I know you are a patient of loneliness. Main ek aur udaharan deta hu ki mujhe kaise malum ki aap जो है अकेलेपन के बीमार हैं। कम कम कम, लेट्स गो टू मॉरिसन्स न्यू हाउस ओपनिंग। क्या करना है यार, वही चिकन ही तो मिलेगा वहाँ, और क्या होगा, दाल ही तो होगी और चावल ही तो होगा, और क्या होगा, वो तो घर बैठ के भी खा लेंगे। भाई साहब, आपको बीमारी है लोनलीन की बीमारी। अनदर वन, पिकनिक चले, नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम घर बैठ के भजन संहिता 119 मुंह जवानी याद करेंगे। अबे बीमार है, चलो शादी में ले चलो, घसीट के ले यार नाइट गाउन में। बीमार है वो, उसको प्रॉब्लम है, वो लोनली है, वो परमेश्वर से दूर है। जब प्रभु ने कहा, लोगों ने कहा कि हम प्रभु के घर चले, तो अगर आज हम ये बाइबल लिखते, बताऊं क्या लिखते हैं, लोगों ने कहा घर प्रभु के घर चले, अबे पूरा तो होने दे, अभी तो सीढ़ी देख के डर लगता है, कुछ गिर गया ऊपर से। तो आपको मैंने बताया खिड़की थोड़ा ऊंचा रखा है मैंने, आपने ध्यान दिया इसको, खिड़की को मैं चाहता था नीचे तक लेके आए, लेकिन एक बाइबल में आयत पढ़ी, पत्रस प्रचार कर रहा था, एक आदमी खिड़की से गुड़क गया, उसके बाद अपन ने खिड़की की हाइट बढ़ा दी ताकि आप लोग गिरे नहीं, गिरे तो भी अंदर ही गिरे, पड़ोसी के लिए बाद में चलना चाहिए। देयर इज अ प्रॉब्लम विद अस, इट्स कॉल्ड सेल्फिशनेस। हमारे में एक समस्या है, उसको स्वार्थीपना कहते हैं। Some people don't like to laugh. They don't like to enjoy. Listen what
I am not going to train you, neither am I going to beg you. I move on. कुछ लोग जो हैं बिल्कुल हंसना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल एकदम हटीले रहते हैं. वो क्या कहते हैं मालूम है? मैं ना तो खुश होऊंगा ना आपको खुश होने दूंगा, आप आगे बढ़ते रहो. आपने कभी ध्यान दिया मैं चर्च के बाद आपसे प्रेस लॉर्ड बोलता हूँ, यही बोलता हूँ? अरे ध्यान दिया नहीं दिया कभी आपने? ये सोचा ये शाणा हमसे ये क्यों नहीं पूछता आप कैसे हो? मैं बताऊं क्यों नहीं पूछता? उसके लिए पाचन शक्ति की जरूरत है. सच में सुनना चाहते हो कि मैं कैसा हूं? नहीं नहीं नहीं, वैसे ही दुखी हूं. आपके हाल चाल सुन के हम और ब्रजेश सुन रहे हैं. सम पीपल आर जस्ट सो सेल्फ सेंटर्ड, नीदर आर दे हैप्पी, नीदर दे वांट एनीबॉडी एल्स टू बी हैप्पी. कुछ जो है इतने स्वयं केंद्रित हैं, ना तो वो खुश हैं और ना दूसरों को खुश होने देते हैं. हमारे बीच में स्टीफन सी एक पास्टर था, जो बड़े अंकल को हम दफना रहे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो भी चले गए ऊपर. तो फादर बड़े अंकल को दफना रहे हम रायपुरा में, और मेरा इमोशन बिल्सन कहीं और था. वहां पर एक पादरी साहब जो पहले इमानुएल में थे, अभी कहीं और सेवा कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को हाथ मिलाया. हाथ मिलाने में एक कागज था, मैंने सोचा पैसे दिए होंगे, मैं भी खुश हो गया यार बाद में देख लेंगे, विश्वास के साथ जेब में रख दिया उसको. बाद में सब चले गए, मैं तो बस वेट कर रहा था कि या तो चेक होगा या 50,000 कुछ तो होगा. अच्छा अच्छा खासा पेपर फोल्ड किया हुआ था, उसके अंदर एप्लीकेशन है, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इमैनुएल बाइबल इंस्टीट्यूट, आई लाइक टू बेग यू प्लीज सप्लाई मी ए 4-wheeler न्यू वन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. पिताजी मरे पड़े, किसी को 4-wheeler. उस व्यक्ति को ये मैं बता सकता हूँ, उसको लोनलीनेस की प्रॉब्लम नहीं है, वो जानता है जीवन में कैसे आनंद लेना है. बोला मरे तो तेरा बाप मरे, मेरे को तो गाड़ी चाहिए. अंडरस्टैंड? एटलीस्ट ही वॉज ऑनेस्ट. तो फिर मैंने, अंकल बैठे थे मेरे साथ, वो उसी अबोमिनेशन के, सॉरी डिनोमिनेशन के थे. तो मैंने कहा सर ये आपके साथ ही है? बोला हाँ. मैंने इनको मोटरसाइकिल चाहिए, मत देना. मैंने कहा आपके लोग हैं, देख लेना आप. मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया एप्लीकेशन. अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड? आई मूव्ड ऑन. आई डिड नॉट सिट देयर सावर, ओह व्हाट टू डू, आई डोंट हैव दिस मनी टू गिव हिम. मूव ऑन. लोनली पीपल आर अनसैटिस्फाइड पीपल. लोनली पीपल आर अनहैप्पी पीपल. लोनली पीपल आर सेल्फिश पीपल. ये जो अकेले लोग होते हैं ये संतृप्त नहीं होते हैं. ये जो अकेले लोग होते हैं ये जो है खुश नहीं होते हैं, दुखी रहते हैं. और ये जो अकेले लोग होते हैं ये जो है हमेशा स्वयं केंद्रित होते हैं. लोनलीनेस इज बिल्ट इन, इट इज देयर, यू हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम द रूट. ये जो अकेलापन है ये आपके अंदर भरा हुआ है, आपको इसे बाहर निकालना होगा. इफ यू गो टू द स्टेशन टुडे, कंप्यूटर स्पीक्स टू यू, स्टे अवे फ्रॉम द डोर, यू डोंट सी द पर्सन, देयर इज नो कनेक्शन. पीपल लिव दैट लाइफ. They are going every day without hearing from God. They only hear the sound of the robot. आप जो है वहाँ पर स्टेशन में जाइए, वहाँ पर कंप्यूटर से बोला जाता है कि आप जो है दरवाजे से दूर रहिएगा. वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, कोई व्यक्ति दिखता नहीं है. आज दुनिया भी ऐसी ही है, किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, केवल आवाज सुनना है. You know when we had money, आपको मालूम है जब पैसा हुआ था, there was a better relationship with the register. तो वहाँ पर एक अच्छा रिश्ता था. When you have credit card, जब credit card हुआ, phone pay, और phone pay हुआ, that relationship is gone. वो जो रिश्ता है वो गया. We are living in that generation. हम ऐसे ही एक पीढ़ी में जीवित हैं. First John, पहला योहन्ना, no, John chapter 10, verse 3. योहन्ना समाचार उसका 10वां अध्याय 3रा पद. उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है. Did you know a lot of people are on drugs because of loneliness? क्या आपको मालूम है कई लोग नशे के लत में इसलिए पड़ गए क्योंकि वो अकेले हैं? Did you know a lot of people overeat because of loneliness? क्या आपको मालूम है कई लोग ज्यादा खाना खाते हैं क्योंकि वो अकेलेपन में? Do you know some people can't eat because of loneliness? आपको मालूम है कुछ लोग खा नहीं पाते हैं क्योंकि वो अकेलेपन में? Do you know some people just can't sleep because of loneliness? आपको मालूम है कुछ लोग जो है सो नहीं पाते हैं क्योंकि वो अकेलेपन में है? Some people oversleep because of
loneliness. कुछ लोग तो जो है ज्यादा सोते हैं अकेलेपन के कारण. Some people cannot concentrate because of loneliness. कुछ लोग अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं क्योंकि अकेलेपन में है. Genesis chapter 2. उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय. Verse 18. उसका 18वां पद पढ़े. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए. हाँ, this is the right time to announce Stephen will be getting married at the end of this month. और ये बिल्कुल सही समय है इस अनाउंसमेंट करने का कि स्टीफन के इस महीने के अंत में विवाह है. प्लीज प्रे फॉर हिम. उसके लिए प्रार्थना करना. प्रे फॉर हिज स्पाउस. और उनकी जो होने वाली भी पत्नी है उसके लिए प्रार्थना. गॉड वुड ब्लेस देम. ताकि परमेश्वर उन दोनों को आशीष दे. आर यू कमिंग? क्या आप आ रहे हैं? इज योर चॉइस. आपका चुनाव. विल यू बी वेलकम? क्या आपका स्वागत किया जाएगा? यस yes. जरूर किया जाएगा. इफ यू कम. अगर आप आएंगे तो. एंड इफ यू डोंट कम. अगर नहीं आएंगे तो. फॉर यू द सेलिब्रेशन विल बी इन अक्टूबर. और आप लोगों के लिए यहाँ पर जो सेलिब्रेशन होगा वो अक्टूबर में. बट आई लाइक टू टेल यू समथिंग. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा. डोंट स्पेंड मनी प्लीज. आप पैसा खर्चा मत करना. जस्ट कम ड्रेस्ड नाइसली. आप अच्छा वस्त्र पहन करके आ जाइए. यूज 1 किलो ऑफ मेकअप. 1 किलो मेकअप लगा ले. जस्ट लुक नाइस. स्माइल. बस अच्छा दिखे. मुस्कुराते रहे. एंड जस्ट एंजॉय. और आनंद ले. बिकॉज क्योंकि इट्स अ टाइम नॉट फॉर कॉम्पिटिशन. इट इज अ टाइम टू एंजॉय द फैमिली. ये कोई प्रतिस्पर्धा का समय नहीं है. ये परिवार के साथ आनंद मनाने का समय. लोनलीनेस ब्रिंग्स अ डिफीटेड स्पिरिट. इट इज नॉट गुड फॉर मेन टू बी अलोन. ऑल द बॉयज एंड द गर्ल्स. For you, it is not written that it is not good for ladies to be alone. It is only written for men. So men, you should marry. Not good for you to be alone. समझ में आ गया ब्रजेश? ठीक है, आगे मत पढ़ो. What is the answer to loneliness? इस अकेलेपन का जवाब क्या है? Should I go back and think about all the mistakes of life? क्या मुझे बैठ करके मेरे पिछले जीवन में जितने भी कमियां थी, जो गलतियां थी, उसको याद करता रहूं? The only answer to loneliness is not a psychologist, is not a professor, is not a book. It is in the name of Christ. इस अकेलेपन का जवाब या उत्तर किसी से मनोचिकित्सक के पास नहीं है, मनोवैज्ञानिक के पास नहीं है, या किसी पुस्तक में नहीं है, किसी प्रोफेसर के पास नहीं है. ये केवल प्रभु यीशु मसीह के पास. You know why Jesus understands loneliness? Because he experienced loneliness. क्या आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह अकेलेपन को क्यों समझ सकता है? क्योंकि उसने उसका सामना किया है. Was Jesus lonely? क्या प्रभु यीशु मसीह अकेला था? Yes, Isaiah 53 verse 3. हाँ था. जरा देखें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था. वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे. वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना. इतनी बुरी हालत तो नहीं ना आपकी, फिर भी लोनली बने बैठे हो. जॉन चैप्टर 1 यूहन्ना समाचार उसका पहला अध्याय वर्स 11 11वां. वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया. लोनली. अकेला. He came to his own received him not. वो अपने लोगों के पास आया और अपनों ने ही उसको स्वीकार नहीं किया. On the cross, Father, why have thou forsaken me? He experienced loneliness. क्रूस में भी उसने अकेलेपन महसूस किया. हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? Book of Habakkuk. हबक्कूक की पुस्तक. Chapter 1. पहला अध्याय. Verse 13. उसका 13वां आयत. तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता. फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? और जब दुष्ट को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? Jesus knows how you feel. प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि आपको कैसा महसूस होता है. We don't have a priest who don't understand our sorrows. We have a priest who identifies with our sorrows. हमारा कोई ऐसा याजक नहीं है जो हमारी कमियों को या हमारे दुखों को समझता नहीं हो. हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमें जानता है, हमारे दुख को जानता है. Jesus knows how you feel. प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है. Jesus meets your need. प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरतों को पूरा करता है. Hebrews chapter 13. इब्रानी के पत्र उसका 13वां अध्याय. वर्स 5. पांचवा पद पढ़े. इब्रानियों 13 का 5. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो
वो जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना समाचार उसका 15वां अध्याय, वर्स 15, 15वां पद। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। He walks with me, he talks with me, and he tells me I am his own. वो मेरे साथ चलता है, मुझसे बातचीत करता है और मुझसे कहता है कि मैं उसका हूं। Jesus knows how you feel. प्रभु यीशु मसीह जानता है कि वो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। Jesus meets your needs. प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरतों को पूरा करता है। Jesus understands you. प्रभु यीशु मसीह आपको समझता है। Psalms 139. भजन संहिता 139 वर्स 2 उसका दूसरा पद। तू मेरा उठना बैठना जानता है। Yeah. और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। He knows you. He understands you. But he still loves you. वो आपको जानता है, आपको समझता है, फिर भी वो आपसे प्यार करता है। Second Kings chapter 19 verse 27. दूसरा राजा उसका 19 का 27. मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और ये भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। As I close, let me bring this story home. मैं जब समापन के लिए आता हूँ तो ये एक कहानी आपको बता देना चाहूँ। There was a little man named Anil in Luke chapter 19. एक छोटा बच्चा था जिसका नाम शायद अनिल था, लूका समाचार 19 आयत में। Why I brought Anil? ये अनिल को क्यों लाया मैं? Anil is the shortest pastor of Emmanuel. ये जो अनिल है ये इमानुएल का सबसे छोटा पास्टर है। But his name actually in the Bible was Zacchaeus. लेकिन परमेश्वर के वचन में उसका नाम जकई है। Zacchaeus had 3 problems. इस जकई के 3 समस्याएं थी। He was a tax collector. वो एक चुंगी लेने वाला था। He was lonely. वो अकेला था। He was despised. वो निरुत्साहित था। And he was rejected. और वो तिरस्कारा हुआ था। He was lonely. वो अकेला था। Despised. वो बिल्कुल त्यागा हुआ था या तिरस्कृत था। And rejected. और त्याग दिया गया था। Jesus did not say, "Hey, you, come down." No. He called him by his name. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा कि अरे तू नीचे आ जा, ऐसे नहीं कहा, उसका नाम बुला करके बोला और नीचे आने के लिए। Zacchaeus said, "Wow, this guy, he knows me by my name." Zacchaeus ने कहा, अरे ये तो मेरा नाम जानता है। And he says, "Come down." He's asking me to come down. और ये मुझसे बोल रहा है कि नीचे आ। I want to go to your house. Wow, he wants to abide with me. वो मैं तेरे साथ तेरे घर जाना चाहता हूँ। अरे वाह, ये मेरे साथ रहना चाहता है। What is the message? संदेश क्या है? He knows you. वो आपको जानता है। He wants you. वो आपको चाहता है। He needs you. और वो आप उसको आपकी जरूरत है। That is the savior I want to introduce to you today. ऐसे एक उद्धार करता आज आपके सामने मैं उसका पहचान कराना चाहता हूँ। Zacchaeus, he knows you. जकाई वो जानता है आपको। Come down, he wants you. नीचे आ, क्योंकि उसको आपकी जरूरत है। Let me go with you to your house, he needs you. मैं तेरे साथ तेरे घर चलता हूँ, क्योंकि वो आपको। No one ever cared for me like Jesus. प्रभु यीशु मसीह के समान किसी ने मेरे ध्यान नहीं दिया। There is no other friend so kind as he. प्रभु यीशु मसीह के समान कोई दीन मित्र नहीं है। No one else could forgive all my sins. Except Jesus Christ, my प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी और कोई और जो है मेरे सब पापों का क्षमा नहीं दे सकता था। I like to tell you this. मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। He is calling you today by name. आपको वो नाम लेकर के बुला रहा है। He does not leave you on the tree. वो आपको उस पेड़ पर नहीं छोड़ता। He asks you to come down. वो आपसे कहता है कि नीचे आ। He wants to go with you to your house. वो आपके साथ आपके घर जाना चाहता है। If he is your friend. अगर वो आपका मित्र है, then you are never lonely. तो आप कभी भी अकेले नहीं है। Ever since I have met Jesus, I have never experienced loneliness. जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, मैं कभी अकेला नहीं हुआ हूं। The crowd does not bother me.
बड़ी भीड़ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Small crowd does not bother me. छोटी भीड़ हो उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. What a friend we have in Jesus. प्रभु यीशु मसीह में कैसा ही प्यारा मित्र है. I introduce you to the one who loves you knowing how bad you are. आप कितने बुरे हैं ये जानते हुए भी आपसे प्रेम करने वाले एक व्यक्ति से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं. I pray that today if you are a person who came to this church with a lonely spirit, lonely life, you leave this place with the greatest friend in your life. meri prarthna aapke liye ye hai ki agar aap aaj yahan par is kalishya mein ek akele vyakti ke roop mein akelapan mehsoos karte hue aaye hain to main chahunga ki yahan se aap prabhu yeshu masi ke sath jaye. let's bow our heads. aaye hum apne saron ko jhukaye. heads bowed and eyes are closed. sabhi sar jhuke rahe aankhein band rahe. how many of you will say. आप में से कितने लोग ये कहेंगे. Lord Jesus, I need a friend. प्रभु यीशु मुझे एक मित्र की आवश्यकता है. I need to overcome this selfishness of mine. प्रभु मेरे इस स्वार्थीपन से मैं जीत पाना चाहता हूं. I need to overcome this spirit that I feel rejected by people. प्रभु इस आत्मा से कि मैं ये जो महसूस करता हूं कि लोग मुझे तिरस्कारते हैं उससे मैं दूर होना चाहता हूं. Help me to overcome insecurity. प्रभु मेरी मदद कर कि मैं असुरक्षा को जीत पाऊं. हेल्प मी नॉट टू बिल्ड अ वॉल बट बिल्ड अ ब्रिज विद पीपल. प्रभु मेरी मदद कर कि मैं एक दीवार नहीं लेकिन एक पुल बना सकूं लोगों के साथ. आई नो यू नो मी. मैं जानता हूं कि तू मुझे जानता है. आई नो यू आर कॉलिंग मी टुडे बाय नेम. मैं जानता हूं कि तू मुझे आज नाम लेकर के बुला रहा है. आई रिस्पॉन्ड टू दैट कॉल. उस बुलाहट को मैं जवाब देता हूँ. आई एम विलिंग टू कम डाउन फ्रॉम द ट्री बिकॉज यू आस्क्ड मी टू कम डाउन. प्रभु मैं पेड़ में से नीचे उतरना चाहने के लिए तैयार हूं क्योंकि तूने मुझे नीचे उतरने के लिए बोला है. यू वॉन्ट टू डाइन विद मी. यू वॉन्ट टू हैव फेलोशिप विद मी. प्रभु मैं तेरे साथ संगति रखना चाहता हूं, तेरे साथ मरना चाहता हूं. इफ क्राइस्ट इज योर फ्रेंड. अगर मसीह यीशु आपका मित्र है. ऑल अदर्स विल बी योर फ्रेंड. तो सब आपके मित्र होंगे. इवन इफ दे डोंट लाइक यू, यू विल बी फ्रेंडली टू देम. अगर वो आपको पसंद ना भी करें तो भी आप उनके लिए मित्र होंगे. But you will never have problem with insecurity if Christ is your friend. अगर मसीह यीशु आपका मित्र बन जाता है तो कभी भी आपके जीवन में असुरक्षा की भावना नहीं होगी. If Christ is your friend, you will never feel will they accept me or reject me. अगर मसीह यीशु आपका मित्र है तो आप कभी भी ये महसूस नहीं करेंगे कि क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे या त्यागेंगे. Heads bowed, eyes are closed. सब सर झुके हुए हैं, आंखें बंद रहे. How many of you will say? आप में से कितने लोग कहेंगे? I need this friend. प्रभु मुझे इससे एक मित्र की आवश्यकता है. I need a friend who knows me by my name. मुझे एक ऐसे मित्र की आवश्यकता है जो मुझे मेरे नाम से जानता है. I need a friend who is calling me to come down. मुझे एक ऐसे मित्र की जरूरत है जो मुझे अपने पास बुला रहा है. I need a friend who wants to spend time with me. मुझे एक ऐसे मित्र की जरूरत है जो मेरे साथ समय बिताना चाहता है. If you have prayed that prayer sincerely from your heart. अगर आपके हृदय की गंभीरता से आपने प्रार्थना की. Would you lift up your hand? तो क्या आप अपना दाएं हाथ उठा करके बताएंगे? Praise God. Put your hands down. Anybody else? अपना हाथ नीचे कर लीजिए. और कोई? Praise God. Put your hands down. Anyone else? और कोई? Praise God. Praise God. Anybody else? Praise God. Put your hands down. Anybody else? Anyone else? Praise God. Anybody else? Praise God. I need a friend who will overcome my loneliness. मुझे एक ऐसे मित्र की जरूरत है जो मेरे अकेलेपन से मुझे जीत दिलाए. If God is for me, अगर परमेश्वर मेरे लिए है, who can be against me? तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है? Nothing can separate me from the love of God. मसीह यीशु के प्रेम से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता. Famine, nakedness, अकाल हो, नंगता हो, nothing will separate. कुछ भी मुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता. He is a friend indeed. वो वाकई में यकीनन एक मित्र. He loves you. वो आपसे प्यार करता है. He wants to spend time with you. वो आपके साथ समय बिताना चाहता है. He wants to forgive you. वो आपको क्षमा करना चाहता है. Let's worship the Lord with this song. Heads bowed and eyes. सभी सर झुके रहे, आंखें बंद रख करके इस गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे. टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे
किसानों का प्यार टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार माँ की तरह मुझे थामेगा वो गिरने न देगा मुझे मेरे आँखों के आंसू को पोछे Father, we thank you for your word and its power. Thank you for speaking to us through your word. Thank you for the Holy Spirit of God that convicts us, reminds us that He's calling you by name. He wants you to come down. He wants to go with you to the house. Let us leave this place with the greatest friend of this world. I pray that everyone who listens this message to that not one, not even one, would experience loneliness ever again. In Christ's name, amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Father, communion of the Holy Spirit, rest and abide with each and every one of us, both now and forevermore. Amen. Thank you.